Good evening friends, welcome to the seminar webinar on how to plan for CA intermediate May 2023 examinations. Thodi volume kam kar do. And all about the new course of ICAI. So friends, I am CA Pavan Sarda. Aap mein se kai log to pehle se hi hamare students ho to jante ho, and I will be taking you through all this. अभी आप लोगों का CA foundation exam complete हुआ है, so काफी relaxed होंगे, लेकिन now it's time to start thinking about how to approach the next level, क्योंकि CA के exam में rest नहीं रहता है, ठीक है? CA के life में जो है, आपको continuously अपने आप को upgrade करते रहना होता है. I hope online जो students हैं, उन लोगों को audio, video clear है. अगर कुछ issue है, तो आप लोग comment box में बोल सकते हो. कमेंट बॉक्स का आपको एक्सेस है क्या तो बता दो, नहीं तो आई कैन सी योर थम्स अप. यस, ऑल राइट, ऑल गुड. तो कुछ भी इशू आता है तो आप बता देना. ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, ये वाले सेशन में हम लोग काफ़ी डिटेल में बातें करेंगे आपके इंटरमीडिएट की जर्नी के बारे में. अभी तक के हमारा पूरा फोकस था सी ए फाउंडेशन कैसे क्लियर करना चाहिए, सी ए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है. और फिर आप में से कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जो स्टैंडर्ड 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे, तो वो कैसे बैलेंस करना है. लेकिन अब समय आ गया है सीए इंटरमीडिएट की बात करने का. एंड द वेरी फैक्ट दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेमिनार जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सीए फाउंडेशन एग्जाम प्रूव्स दैट इट गिव्स मी एन इंडिकेशन दैट यू एक्सपेक्ट टू क्लियर द एग्जाम, है ना? आपको लगता है कि आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर तो पक्का हो जाएगा. अब उसमें मार्क्स आपको थोड़े बहुत कम ज्यादा आ सकते हैं, तो वो अलग बात है. तो दैट इज गुड. ओके, हो सकता है आपका एक्सपेक्टेशन 300 का रहे, हो सकता है 10-15-20 मार्क कम आ जाए, जो भी, लेकिन पास हो रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग. नाउ फ्रेंड्स, सीए इंटरमीडिएट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. सीए इंटरमीडिएट में आप लोगों को दो ग्रुप्स देना है. एंड मैं आपको बता दूं, आपको सीए इंटरमीडिएट का पहला ग्रुप पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि ये तो अपने आप में फाउंडेशन से बड़ा है, और फिर वैसा ही और एक ग्रुप देना है. वैसे सेकंड ग्रुप उतना बड़ा नहीं है, फिर भी सीए फाउंडेशन के इक्विवेलेंट सेकंड ग्रुप मान सकते हैं हम लोग. तो ऐसे दो ग्रुप्स आपको सीए इंटरमीडिएट में देना है. ये बेसिक तो आपको आइडिया है ही कि सीए इंटरमीडिएट कंटेन्स टू ग्रुप्स. ओके, ग्रुप वन कंटेन्स 4 पेपर्स एंड ग्रुप 2 कंटेन्स 4 पेपर्स. बट दिस इज एज पर द ओल्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन. अब सवाल ये उठता है कि न्यू स्कीम क्या हमारे ऊपर एप्लीकेबल है? इज द न्यू स्कीम एप्लीकेबल टू अस राइट नाउ? तो लेट मी क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स टू यू. जब आप लोगों की एग्जाम्स चल रही थी फाउंडेशन की, तो जून के मंथ में आप लोग तो तैयारी में थे, लेकिन जून फर्स्ट वीक में ही ICAI ने ये जो न्यू स्कीम है, प्रपोज स्कीम, वो पब्लिक डोमेन में लाया. और प्रपोज स्कीम के अंदर में जो चेंजेस है उस पर कमेंट्स करने के लिए उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स को एक फीडबैक फॉर्म दिया था, जिसका ड्यू डेट 30 जून या 1 जुलाई ही था. तो ये जो फीडबैक फॉर्म था वो हम में से काफ़ी लोगों ने भरा, मैंने भी भरा, कैप्स के सब फैकल्टीज ने भरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी फिल किया. ये जो फीडबैक फॉर्म था ये स्टूडेंट्स भी भर सकते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी भर सकते थे, एंड इवन अदर पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द सीए एकेडमिक्स, ओके, और द करिकुलम. सो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, ये जो पूरा सिस्टम था इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि ये वाले करिकुलम में उन्होंने कुछ नए चेंजेस प्रपोज किए. अब एक मेजर चेंज जो आप अभी के अभी कंपेयर कर पाओगे विथ योर कोर्स ऑफ सी इंटरमीडिएट, इस जो नया कोर्स प्रपोज्ड है उसमें इंटरमीडिएट में सिर्फ 6 पेपर्स रहेंगे, ओनली 6 पेपर्स. एंड 6 पेपर्स में से अब 3-3 पेपर का एक एक ग्रुप रहेगा. सो यस, द सिलेबस इज एक्सपेक्टेड टू बी लिटिल लेस एज कम्पेयर टू द अर्लियर स्कीम. बट ये जो नया कोर्स है ये अभी तक के ऑफिशियली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. ICAI की वेबसाइट पे जब तक के नहीं आ जाता है कि ये न्यू स्कीम एप्लीकेबल है, एंड एक अनाउंसमेंट के साथ कि 100-100 डेट से जो बच्चे रजिस्टर करेंगे उनको न्यू स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तब तक के आपको ओल्ड स्कीम के हिसाब से ही प्लानिंग करना है. एंड जैसे कि हमारे जो CA नेटवर्क में जो कनेक्शंस है, तो उन लोगों के थ्रू हम लोगों को आइडिया मिली है. जैसे जो रीजनल काउंसिल या सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, तो उन लोगों की जो थ्रू आइडिया मिली है कि जो ये नया कोर्स है इसको आने में थोड़ा समय लगेगा. उनका टारगेट है, मतलब अनऑफिशियली उनका टारगेट है नवंबर मंथ तक के कोर्स को लागू करने का.
नवंबर 2022 में अनाउंस करने का, नवंबर 2022 में अगर अनाउंस होगा एंड अगर ये मई 2023 के एग्जाम से लागू हो जाएगा तो दैट विल बी अनफेयर फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको स्पेशली जैसे आप इंटरमीडिएट की तैयारी करोगे, आप ओल्ड कोर्स के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दिए हो और बीच में वन फाइन डे सडनली बोलते कि न्यू कोर्स तुम्हारे लिए लागू हो रहा है, तो अब आप कैसे करोगे? तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी देर आर वेरी हाई चांसेस दैट वॉट विल हैपन दैट मई 2023 में ओल्ड कोर्स ही एप्लीकेबल रहेगा एंड नवंबर 2023 से मोस्टली न्यू कोर्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगर आप मई 2023 एग्जाम दोगे वो तो आपने देना ही चाहिए, क्यों नहीं, मई 2023 एग्जाम, क्योंकि आपका अभी जून में 2022 आपका फाउंडेशन क्लियर हो रहा है तो आपने देना चाहिए जो अर्लीस्ट अवेलेबल एग्जाम है। अटेम्प्ट बोलते हैं लोग, लेकिन मैं अटेम्प्ट वर्ड यूज करने को थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, क्योंकि हम लोग 10th और 12th के एग्जाम में तो अटेम्प्ट नहीं बोलते थे, मार्च में मेरा अटेम्प्ट ऐसा बोलते थे क्या, हम लोग बोलते थे एग्जाम है। तो हमारा एग्जाम मई 2023 में रहेगा फर्स्ट। अब उसमें अगर आप क्लियर कर लेते हो तो सबसे बेस्ट है, आप सीए फाइनल में आ गए, आप उस समय फाइनल में जरूर न्यू कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन। तो मैं आपको ये चीजें क्लैरिफाई करवा देता हूँ। सो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसका मतलब कि आपका जून 2022 इसमें आपका क्लियर हो गया है सीए फाउंडेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट अवेलेबल एग्जाम है मई 2023। अब आप में से कोई स्टूडेंट बहुत ही आतुक है कि सर हम नवंबर का देना चाहते हैं, तो बेटा आप दे नहीं सकते हो क्योंकि वो अलाउड नहीं है। आपको ये एग्जाम के बाद मिनिमम 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड का रजिस्ट्रेशन पीरियड लगता है और उसके गैप के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। तो एक चीज ध्यान रखना, जून फाउंडेशन के एग्जाम का आपका जब भी रिजल्ट आएगा, आज सुबह सुबह क्या हुआ, सेंट्रल काउंसिल मेंबर है पता चला आपको, धीरज खंडेलवाल सर जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया कि सीए फाइनल एंड सीए फाउंडेशन एग्जाम रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय 15th और 16th of July। अब मुझे जैसे ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट आया, मैंने सीधा जाकर के चेक किया, क्योंकि ऐसे में बिलीव नहीं करता स्क्रीनशॉट्स पे, क्योंकि वो पहले भी हो चुका है कि फेक स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं और बोले यार सही में उन्होंने गलत ट्वीट कर दिया। लेकिन फिर बड़ी थोड़ी सी देर बाद में और मुझे समझ गया था कि 30 जून को अगर एग्जाम खत्म हो रही है तो उसका रिजल्ट 15 जुलाई को कैसे आ सकता है, हाउ कैन दे मेंटेन क्वालिटी रिजल्ट्स स्पेशली वेयर 2 पेपर्स आर सब्जेक्टिव, तो वो तो पक्का गलत था। ओके, और इंटरनल हमारा जो फैकल्टीज का ग्रुप है तो उसमें मैंने वैसे ही बता दिया कि ये तो पॉसिबल नहीं है, फाउंडेशन एग्जाम का रिजल्ट 15 दिन में तो नहीं आ सकता। एंड देन उनका 11:15 बजे ट्वीट आया कि फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, फाउंडेशन गलती से लिख दिया था पिछली ट्वीट में। क्योंकि पहले क्या होता था बेटा, मतलब अभी 2-3 साल से कोविड के बाद टाइमलाइन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन उसके पहले फाउंडेशन एंड फाइनल का रिजल्ट एक साथ आता था, उसके 10-15 दिन बाद इंटर का रिजल्ट आता था। अभी 2 साल से क्या हो गया है, 2.5 साल से फाउंडेशन और इंटर का रिजल्ट साथ में आने लग गया है, फाइनल का थोड़ा पहले आ जाता है। लेकिन अब इस साल मुझे लगता है क्या होगा, सबसे पहले सीए फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा अभी 15-16 जुलाई के आसपास, उसके बाद में इंटर का रिजल्ट आ जाएगा जब भी आएगा, और उसके बाद में मुझे लगता है कि इस बार फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, क्योंकि फाउंडेशन के एग्जाम इस बार इंटर के एग्जाम के 1 महीने बाद हुई है। आपकी फाउंडेशन के एग्जाम ओरिजिनली 23rd of May से होने वाली थी, लेकिन वो पोस्टपोन करके 24th of June से स्टार्ट हुए, तो जब एग्जाम से लेट हुई है तो रिजल्ट्स भी जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि 30 जून को अगर एग्जाम खत्म हुई है तो वहां से 50 डेज ऐड कर दो तो अराउंड 20th August अराउंड। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे पास में कोई ऑफिशियल सोर्स से जानकारी है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि नॉर्मली 50 दिन का एक रहता है पीरियड। अब हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करके इंस्टीट्यूट 20 अगस्त की जगह 10 अगस्त को रिजल्ट निकाल दे, वी नेवर नो, बट चांसेस कम है। हो सकता है 20 अगस्त की जगह 25 अगस्त को आ जाए, 22 अगस्त को आ जाए, सो वो थोड़ा बहुत वहाँ पर एग्जैक्ट डेट तो अराउंड 8-10 दिन पहले वो लोग अनाउंस करते एंड देन यू कैन प्रिपेयर yourself मेंटली फॉर दैट रिजल्ट, क्योंकि आपकी जिंदगी का शायद पहली बार सीए एग्जाम का रिजल्ट रहेगा, देन इट इज अ स्पेशल डे। सो अब रिजल्ट आपका 20 अगस्त के आसपास आएगा, उसके बाद में आइडियली एज पर द अर्लियर पॉलिसी आपको 31st अगस्त तक के ICI के पास में इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, सो दैट 8 मंथ का स्टडी गैप हो जाए अप टिल 30th of April। आप समझ रहे हो,
एंड देन आप मेक एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो. लेकिन क्योंकि आपका रिजल्ट ही इतना लेट आएगा, आपका रिजल्ट ही 31st August अगस्त लास्ट वीक में आएगा या अगस्त के लास्ट से फोर्टनाइट में बोल सकते हैं, तो हो सकता है वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड थोड़ा एक्स्ट्रा दे दें मे एग्जाम के लिए. हो सकता है आपको स्पेशली सितंबर के कुछ दिन दे दें कि चलो आप 20 सितंबर तक या 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. बट एक चीज का बहुत ध्यान रखना, आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट करो या ना करो, इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन याद से जो भी कट ऑफ डेट रहेगी उसके पहले कर लेना. क्योंकि हमारे पहले की बैच में ऑलमोस्ट हर बैच में ऐसा एक ना एक स्टूडेंट रहता है जिसने पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं, बैच लगा लेते हैं, पूरी पढ़ाई हो जाती है, और जब बाकी लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं तब ये बोलते हैं कि अरे सर हमारा ना तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, हमको लगा कि कभी भी कर सकते हैं, और अब तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अब हमको अगला एग्जाम मिलेगा. एंड ऐसा हो चुका है, स्टूडेंट्स हैव वेस्टेड 6 months ओके जस्ट बिकॉज दे फेल टू रजिस्टर, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट अवेयर अबाउट द ड्यू डेट. तो ये एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जो भी कट ऑफ डेट रहेगा, वैसे तो 31st August ही मान के चलो, मैं तो बोलता हूँ फाउंडेशन का रिजल्ट आने के एक दो दिन के अंदर आपने इंटरमीडिएट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है वो भर देना है. इंटरमीडिएट की कुछ ऑनलाइन ICI की फीस, जहां तक के मेरा लास्ट जो अपडेट मिला था मुझे, कुछ 17-18 हज़ार रुपए की है, तो उतना आपने अरेंज करके रखना है, ICI की फीस आपने भर देना है, और उसमें बिल्कुल भी डिले मत करो, ये मेरी बात मान लेना. अभी से तो नहीं कर सकते आप रजिस्ट्रेशन क्योंकि अभी तो आपका CA फाउंडेशन का रिजल्ट पेंडिंग है, लेकिन मई 2023 में आपकी एग्जाम है, ये बात पक्की है. अगर कोविड की और एक नई वेव नहीं आती है तो इसमें कुछ चेंजेस वैसे नहीं होने वाले. ओके एंड नाउ थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन, सो वी विल एक्सपेक्ट कि ये एग्जाम मई 23 में होगी. इसके पहले एक और एग्जाम होगी नवंबर 23 में, बट वो सॉरी नवंबर 22 में, बट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए तो मई 23 के एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं. अगर आपने इस एग्जाम में, अगर मान लो आपने ग्रुप 1 दिया और ग्रुप 1 क्लियर किया, तो आप आर्टिकलशिप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो. ओके अगर आपने ग्रुप 2 दिया और सिर्फ ग्रुप 2 देके सिर्फ ग्रुप 2 क्लियर किया, तो भी आप आर्टिकलशिप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो. इमीडिएटली मतलब इसका रिजल्ट आता है अराउंड से जुलाई एंड, या हम लोग सेफर साइड पे सोच के चलते अगस्त के फर्स्ट वीक में. जैसे रिजल्ट आएगा उसके पहले, उस बीच में आप लोगों ने कर लेना चाहिए ITT एंड ओरिएंटेशन कोर्स. ये ICAI में होता है, ये जो कोर्सेज है ये इस बीच में आप कर सकते हो एग्जाम के बाद रिजल्ट के पहले. ITT एंड ओरिएंटेशन कोर्स, समझ रहे हो, ये 15-15 डेज के कोर्स होते हैं, मैंडेटरी कोर्स है, इसी के बाद आप आर्टिकलशिप कमेंस कर सकते हो. तो आपके रिजल्ट के पहले अगर आपने ये कोर्सेज कंप्लीट कर लिया, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है ICAI की वेबसाइट पे, और फिर आपका रिजल्ट आ गया, आपके ये कोर्सेज भी हो गए, इसके बाद में आप कर सकते हो सीधा आर्टिकलशिप स्टार्ट. आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए तब आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फर्म ढूंढना पड़ेगा. ओके इट कैन बी एन इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आजकल कम मिलते हैं, या कोई फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके आर्टिकलशिप आप स्टार्ट कर सकते हो. अब उस समय तक के हो सकता है कि भले ही अभी आप ओल्ड कोर्स की पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर करो, बट उसके आगे आप न्यू कोर्स में कंटिन्यू कर सकते हो आगे. सो जो आर्टिकलशिप में रिड्यूस्ड 2 years का पीरियड बोला गया है प्रपोज स्कीम में, सुना तो शायद होगा आपने, प्रपोज स्कीम में 2 years का पीरियड है, तो 2 years की आर्टिकलशिप का बेनिफिट में भी आपको मिल जाएगा. बट वो बेनिफिट है या डिसएडवांटेज है ये अलग विषय है, क्योंकि मेरे टाइम पे 3 साल और 6 महीने की आर्टिकलशिप होती थी, 3.5 years 3.5 years. अब उसके बाद पिछले कई जो सालों से 3 साल की आर्टिकलशिप हो रही है, एंड अब तो 2 साल की बोल रहे हैं, तो आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलेगा वो उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा. सो चलो वो अपने हाथ में नहीं है, तब जो भी स्कीम अवेलेबल रहेगी, और अगर न्यू स्कीम अवेलेबल रहेगी तो उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करके 2 साल की आर्टिकलशिप तब से शुरू कर लेना. लेकिन अगर आप बोध ग्रुप देते हो और अगर आप बोध ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो फिर तो और भी अच्छा, क्योंकि इन दैट केस क्या होगा बेटा, इन दैट केस आप आर्टिकलशिप फुल फ्लेजेड शुरू कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप CA फाइनल की भी पढ़ाई शुरू कर सकते हो. और आपका फाइनल का एग्जाम पता है कब आएगा, मई 2026 में आएगा. यहां से 3 साल ऐड कर लो, ओके मई 23 से 3 साल ऐड कर लो. अगर लेकिन फाइनल का एग्जाम मई 26 में तभी आएगा अगर आपने आर्टिकलशिप रिजल्ट के
कुछ महीनों के अंदर ही स्टार्ट कर लिया। मैं आपको कट ऑफ डेट भी बता देता हूं, कट ऑफ डेट रहेगी आपके लिए 31 अक्टूबर 2023। 31 अक्टूबर 2023 तक के आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेना चाहिए। मैं करंट स्कीम के हिसाब से बता रहा हूँ, वो हो सकता है कि जो न्यू स्कीम आएगी उसमें आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपका रिजल्ट कब बताया मैंने, अगस्त 2023, तो अगस्त सितंबर आपको टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आर्टिकलशिप का। लेकिन मेरी बात मानो, द अर्लियर यू रजिस्टर फॉर योर आर्टिकलशिप एंड द अर्लियर इट बिगिंस बेटर इट इज। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ग्रुप वन पास हुआ, ग्रुप टू मान लो दिया ही नहीं था, या बोध ग्रुप दिया था लेकिन सिर्फ ग्रुप वन पास हुआ, तो उस समय वो लोग आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करते जबकि कर सकते थे। वो लोग वेट करते हैं कि हम लोग एक काम करेंगे, नवंबर 2023 में ग्रुप टू भी करेंगे, उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के ना आपका 6 महीने का नुकसान हो जाता है। एंड सीधा सीधा हिसाब है कि आपका CA फाइनल का एग्जाम 6 महीने से पोस्टपोन हो जाता है। सो देर इज नो नीड टू वेट फॉर क्लियरिंग बोथ द ग्रुप्स बिफोर स्टार्टिंग योर आर्टिकलशिप। अभी आज सुबह ही हम लोग वीकली वॉक पे गए थे तो एक CA फाइनल अपियर्ड स्टूडेंट अभी मिला, तो मैंने पूछा कि आप तो बहुत पुराने बैच के स्टूडेंट थे, 2016 में इंटर में था, अभी क्यों फाइनल दिया आपने? तो बोला कि सर मैं क्या बताऊँ, तब मेरा पहले अटेम्प्ट में कुछ निकला नहीं, फिर एक ग्रुप निकला तो मैंने आर्टिकलशिप तब स्टार्ट नहीं किया, फिर सेकेंड ग्रुप निकला तब आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, उस चक्कर में उसका 6-6 महीना डिले होते गया, और फिर आर्टिकलशिप खत्म हुई उसके बाद में फिर उसने CA फाइनल की एग्जाम दिया, तो काफ़ी उसका मतलब कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। एंड उसके मुंह से मैंने सुना कि आगे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही एडवाइस देना सर कि एक ग्रुप भी निकल गया तो आर्टिकलशिप तो स्टार्ट कर लेना चाहिए। एंड आपको अगर लगता है कि पढ़ाई में प्रॉब्लम जाएगा तो आप आर्टिकलशिप पोस्टपोन करने की बजाय, आपको वर्स्ट केस में लगता है कि पोस्टपोन करना ही है तो फाइनल का एग्जाम पोस्टपोन कर दो, लेकिन अपने आपको चांस तो दो कि मई 2026 में आप फाइनल का एटलीस्ट एक ग्रुप तो दे सकते हो, तो दैट इज अप टू यू। चलो ये तो सब आगे की बातें हो गई, इससे संबंधित आपकी कुछ और डिटेल्ड क्वेरीज रहेगी तो ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं इस जर्नी की। जून 2022 तो खत्म हो गया है, जुलाई 2022 चल रहा है, जुलाई 2022 से मई 2023 ये जो जर्नी है आपकी, दिस इज गोइंग टू बी अ मेमोरेबल पीरियड ऑफ योर लाइफ, दिस विल एक्चुअली शेप योर पर्सनैलिटी इन अ बिग वे। इसके बाद आपकी रियल वर्ल्ड की जो लर्निंग है वो स्टार्ट होगी। CA के कोर्स में आर्टिकलशिप का जो टाइम है ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी है टू क्लियर एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ CA इंटरमीडिएट एंड देन गो फॉर इट। तो इस बीच में अप्रोच कैसे रखना, प्लान कैसे करना, पढ़ाई कैसे करना, तो वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तब पैटर्न अलग था, मैं स्टूडेंट था तब आर्टिकलशिप ना यहीं पे स्टार्ट हो जाती थी फाउंडेशन क्लियर करने के बाद ही, तो हमारा पैटर्न अलग था, बीच में हम लोग इंटरमीडिएट और फाइनल फिर देते थे। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपको इंटरमीडिएट का एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर करना है, फिर आप आर्टिकलशिप में जाओगे। तो अब ये पीरियड में एक ऑप्शन आपके पास ऐसा है कि आप वेट कर सकते हो रिजल्ट का, जो टेंटेटिवली अगस्त के एंड में आएंगे। समझो रिजल्ट 20 अगस्त को आते हैं 50 डेज का गैप पकड़ के, तो आपका इन दैट केस जो रेगुलर बैच है वो स्टार्ट होगा 1 सितंबर को, पढ़ाई करने का जो मेन जो डेट है 1 सितंबर 2022। ओके, ये मैं एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ। अब ये जो डेट है इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट अगर काफ़ी जल्दी आ जाता है तो हम उसके अराउंड 7 से 10 दिन में बैच स्टार्ट कर देंगे रेगुलर बैच, और रिजल्ट अगर और लेट आता है, थोड़ा सा और लेट आता है, तो ये थोड़ा सा और लेट हो सकता है। यू वी नेवर नो कि ये बैच का एग्जैक्ट डेट क्या रहेगा, ये रिजल्ट के डेट के बाद हम आपको बताएंगे, बट टेंटेटिवली मैं आपको बता रहा हूँ। अब 1 सितंबर को अगर आपका बैच स्टार्ट होता है तो इसके बाद में आप गिनो आपको कितना टाइम मिलता है। मई मंथ तो गिनो ही मत, क्योंकि अप्रैल एंड तक, मई के तो फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, 4 महीने 2022 के एंड 4 महीने 2023 के, टोटल आपको मिलते हैं 8 मंथ्स फॉर स्टडिंग। मतलब ये 1 सितंबर मैंने किस चीज़ की डेट बोला, क्लासेस की, जो रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको 8 महीने का टाइम मिल रहा है। अब क्लासेस पूरे 8 महीने नहीं चलेगी, मान लो क्लासेस उसमें से 6 महीने चलेगी मान लो। ओके, तो जैसे 1 सितंबर को स्टार्ट हुई तो 28 फरवरी तक क्लासेस चल रही हैं समझ लो 2023। फिर आपको मिलता है मार्च एंड अप्रैल सेल्फ स्टडी के लिए। मार्च अप्रैल में हम लोग और क्या करेंगे, मार्च अप्रैल में हम लोग टेस्ट सीरीज भी देंगे। तो ये कैसे प्लान होता है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। अब
ये जो क्लासेस है, अगर आप थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लो, ओके, अगर आप थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लो तो कहाँ पर आप स्टार्ट कर लो उसको अभी, हम लोग आपके लिए अर्ली बर्ड बैच अनाउंस कर रहे हैं, जो कि नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले नागपुर में हम लोगों ने शुरू किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019 अर्ली बर्ड बैच। उस समय जो फाउंडेशन दिए थे बच्चों ने एग्जाम, उनके लिए हम लोग ने बैच लॉन्च किया था टैक्स एंड लॉ के लिए, कि भाई तुम अभी से हमारे साथ जुड़ जाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर लो और रिजल्ट आने के बाद में फिर रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये अर्ली बर्ड बैच कैसे वर्क करता है ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब आई होप ये आपको समझ में आया है। मैं आपको और एक स्क्रीन पे पूरी टाइमलाइन समझा देता हूँ एक बार। देखिए ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ऐसे देख के लगता है कि चलो अपने पास में टाइम काफ़ी है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ जाएगा। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से बात करके देखो कि कितने बिजी रहते हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, ओके, ये जो मार्च और अप्रैल है ये 2023 के, ये सब, ओके, यहाँ पर हमारा 2023 शुरू हो रहा है एंड अभी चल रहा है 2022, बराबर, और अप्रैल खत्म होने के बाद में तो आपकी एग्जाम है। उसके आगे की हम लोग ने अभी ब्रॉडली बात कर लिया है। अब आप देखो, अगर आपका रेगुलर बैच यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 सितंबर से, तो अराउंड 3.5-4 महीने चलता है ग्रुप वन एंड अराउंड 2.5 से 3 महीने चलता है ग्रुप टू, ओके, तो ये सितंबर से लेकर के हम लोग बोल सकते हैं दिसंबर तक के ब्रॉडली आपका चलेगा ग्रुप वन, ओके, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, ब्रॉडली, और फिर दिसंबर के बाद में, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जल्दी खत्म हो जाते तो वो स्टार्ट हो जाते, ओके, समझ लो मिड दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका ग्रुप टू, जो कि चलेगा 28 फरवरी तक के एज पर टेंटेटिव डेट्स, जो एग्जैक्ट डेट्स आएगी बाद में आएगी, या हो सकता है मार्च के भी कुछ फर्स्ट वीक या 10 डेज तक के चले जाए। अब इतनी आपकी क्लासेस हैं, है ना, सिलेबस इज ह्यूज, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब इसमें ग्रुप वन में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो ग्रुप वन में 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट है, मैं ICAI के सीक्वेंस से नहीं बता रहा हूँ, आपकी क्लासेस हम लोग ने किस हिसाब से शेड्यूल करके रखी उस सीक्वेंस में बता रहा हूँ। एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपके लिए नया सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। मुझे कॉस्टिंग और FM का हमारा कंबाइंड पेपर होता था, मुझे उसमें 98 मार्क्स मिले थे एंड इट इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। कॉमन सेंस अगर अप्लाई करना जानते हो, थोड़े बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कंफर्टेबल हो, एनालिसिस कर सकते हो, तो इसमें आप अच्छा करोगे। देन अगला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, ठीक है, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है टैक्सेशन ग्रुप वन का, वैसे पेपर नंबर 4 है एंड देन ये सब्जेक्ट है लॉ, ये ग्रुप वन के 4 सब्जेक्ट से, जिसमें अकाउंटिंग और लॉ आपके लिए थोड़ा सा फैमिलियर है क्योंकि आप लोग फाउंडेशन लेवल पर पढ़ चुके हो, बराबर। अब कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट का टाइमिंग हम लोग ने आपके लिए सोच के रखा है, इसका टाइमिंग है 7 AM to 9 AM, ओके, क्लास का टाइमिंग 2 घंटे का एक सब्जेक्ट का क्लास होगा यहाँ पर आपको, मतलब फाउंडेशन जैसा नहीं कि एक एक घंटे का क्लास चल रहा है, यहाँ पर हर सब्जेक्ट 2-2 घंटे का। अकाउंट फिर आपको ब्रेक रहेगी 9:30 AM से 11:30 AM अकाउंटिंग, उसके बाद 11:45 AM से लेकर के
1:45 PM, मतलब बहुत बड़ा ब्रेक नहीं है, 15 मिनट का ही ब्रेक है, उसके बाद टैक्स चलेगा 2 घंटे का, एंड देन 2:10 से लेकर 3:40 तक के चलेगा लॉ। ऐसा प्लान टाइमिंग्स है। और ऐसे ही ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स के नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे जैसे ग्रुप वन का रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट खत्म होते जाएगा उसके अगेंस्ट में ग्रुप टू का सब्जेक्ट उस वहां पर स्टार्ट होता है। ग्रुप टू का पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, FM+ ECO। ये जो सब्जेक्ट है ये इसमें 60 मार्क्स का FM है एंड 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, एंड दैट इज लिटिल बिट बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन यहाँ पर अकाउंट्स के टाइमिंग पे आ जाएगा एडवांस्ड अकाउंटिंग, टैक्स के टाइमिंग पे आ जाएगा ऑडिट, एंड लॉ के टाइमिंग पे आ जाएगा EIS SF। ओके, ये ब्रॉडली आपके लिए सोचा है हम लोगों ने टाइमलाइन। और ये जब से ये न्यू कोर्स 2018 से आया था तब से ऐसा ही चलता है कि ग्रुप वन खत्म होता है उसके बाद में ग्रुप टू स्टार्ट होता है। अब मैं आपको एग्जैक्ट डेट अभी से कमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको रिजल्ट की डेट नहीं पता, बैच स्टार्टिंग डेट नहीं पता इसलिए, लेकिन बाकी यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से विथ मल्टीपल रिविजन्स, क्लास टेस्ट, डाउट सॉल्विंग कम्प्लीट होता है। ओके, आप में से जो लोग फाउंडेशन लेवल पर पढ़े हो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो देख लीजिए। अब ये जो सब्जेक्ट्स इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दूँ, ये सभी सब्जेक्ट्स 100-100 मार्क्स के हैं। आपको पता है कि ग्रुप वन टोटल 400 मार्क्स का है। अब आपको अगर पास होना है, सिर्फ ग्रुप वन दिया मान लो आपने, तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में लाना पड़ेगा मिनिमम 40, सब में मिनिमम 40, मिनिमम कम से कम 40। लेकिन एग्रीगेट अगर आपका 200 नहीं बना तो नहीं चलेगा, एग्रीगेट कितना चाहिए, मिनिमम 200। सो ऐसा आपको स्कोर करना होगा। इनफैक्ट फाउंडेशन पे भी तो ऐसा ही है ना, फाउंडेशन में भी सेम है, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 और एग्रीगेट में 200। अब अनफॉर्चुनेटली जो आपके जूनियर्स फाउंडेशन के कोर्स में आएंगे आगे, जो न्यू प्रपोज स्कीम है होपफुली वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए वैसी, उसमें हर सब्जेक्ट में उनको मिनिमम 50 लाना पड़ेगा, फाउंडेशन में बोल रहा हूँ। ओके, इंटरमीडिएट में तो न्यू स्कीम में भी 40 ही है, लेकिन ऐसा है। तो अभी ये ऐसा ऐसा है। अब टैक्स के अंदर में दो पार्ट से, टैक्स के सब्जेक्ट के अंदर में दो पार्ट से, एक है इनकम टैक्स 60 मार्क्स का और एक है GST 40 मार्क्स का। इनकम टैक्स और GST दोनों टैक्स, टैक्सेशन का सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। ओके, इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स नाउ। तो इनकम टैक्स एंड GST जो है ये दोनों अलग अलग टैक्सेस है, दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, दोनों का एक साथ ही पेपर होता है। लॉ में ऐसे कोई सेक्शंस नहीं है पेपर के अंदर, लेकिन हाँ ब्रॉडली कंपनी लॉ है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, ठीक है, बट मेन पार्ट इज कंपनी लॉ। लॉ में अकाउंटिंग में भी कोई सेक्शंस नहीं है, कॉस्टिंग में भी ऐसे कोई सेक्शंस नहीं है, देर आर ओनली नंबर ऑफ चैप्टर्स। देन ये जो चार सब्जेक्ट हैं, ये चार सब्जेक्ट में 30% रहेगा MCQ बेस्ड पेपर। ये मैं एग्जिस्टिंग स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, 30% रहेगा MCQ बेस्ड, समझ रहे हो, मतलब कि टैक्स के 100 मार्क में से 30 मार्क तो MCQ के रहेंगे और वो क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे। ऑप्शंस मतलब उसमें कोई चॉइस नहीं रहेगी कि क्वेश्चन, चार क्वेश्चन दिया है उसमें से तीन करो, ऐसा नहीं रहेगा, उसमें जितने क्वेश्चन दिए उतने करना है। एंड उसके अंदर भी MCQ बेस्ड में भी कुछ क्वेश्चन केस स्टडी के ऊपर बेस्ड रहेंगे, मतलब आपको केस स्टडी दिए और आपको उसके ऊपर के बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग आपको उसके लिए वेरी वेल प्रिपेयर करवाएंगे, बहुत डिटेल में हम लोग आपको उसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते, सो उसकी चिंता आप मत करो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। 70% रहेगा अभी भी डिस्क्रिप्टिव, उसमें भी टैक्स के पेपर में तो मेजॉरिटी जो है क्वेश्चंस ये न्यूमेरिकल आते हैं, तो दैट मेक्स इट बेटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थियोरी याद रखने की जरूरत नहीं है। है बहुत वास्ट, वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मेमोरी में फिट करने की जरूरत नहीं, फिर भी छोटी छोटी जो बातें हैं उसको हम लोग कोशिश करते चार्ट्स ओके एंड डायग्राम्स वगैरह के थ्रू हम लोग उसको रिवाइज कर सके ताकि एग्जाम में याद रहे। यस भावेश, आपको कुछ डाउट है बेटा? नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है MCQs में इंटर और फाइनल लेवल पे, लेकिन जो प्रपोज स्कीम है
उसमें एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग रहेगी प्रपोज स्कीम में। तो मैं तो जैसे आपको बताया कि प्रपोज स्कीम शायद आप लोगों को एप्लीकेबल ही ना हो। अच्छा आप बोलोगे सर अगर हम लोग बाय चांस मई 23 के एग्जाम में पास नहीं हो पाए फिर हमको नवंबर का अटेम्प्ट देना होगा तो हम लोग फिर क्या न्यू स्कीम में शिफ्ट हो जाएंगे क्या? नहीं, तब आपको चॉइस रहेगा, न्यू स्कीम में शिफ्ट होना है तो हो जाओ, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा ना न्यू स्कीम की पढ़ाई करने का। तो आप ओल्ड स्कीम के भी कुछ अटेम्प्ट आगे मिलेंगे, 4-5 अटेम्प्ट जनरली ट्रांजिशन में मिलते हैं, मतलब पैरेलली दोनों एग्जाम्स चलती है ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम। तो आप वो चीज की चिंता मत करो, आप अगर अभी तैयारी करते हो तो यू कैन प्रिपेयर फॉर ओल्ड स्कीम इटसेल्फ जो आप आगे दे सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, आप में से कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि नहीं यार न्यू स्कीम में 8 की जगह 6 ही पेपर है, तो ऐसे बच्चे 6 महीना और वेट कर सकते हैं, लेकिन सेंस नहीं बनता है अपने करियर में 6 महीना खाली पीली वेस्ट करने का, पढ़ाई स्टार्ट कर दो बाद में देखो क्या करना है। अब इसमें ये जो मैंने आपको बताया 30% MCQs नेगेटिव मार्किंग नहीं है, न्यू स्कीम में पूरे पेपर्स में 8 नहीं है 6 पेपर्स रहेंगे, न्यू स्कीम में 6 पेपर्स में MCQs रहेंगे, ओके 30% MCQs विथ नेगेटिव मार्किंग, ओके इवन अकाउंट्स कॉस्टिंग में भी प्रपोज्ड है, तो उसकी बात हम लोग अलग से कर लेते हैं क्योंकि वो चांसेस है कि आपको एप्लीकेबल ही ना रहे, फाइनल लेवल पे रहेगा लेकिन अभी नहीं रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देन इसके बाद में ये जो इधर का वाले पेपर्स है इसका मैंने ब्रेकअप बताया, FM काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का है, ये थियोरेटिकल है। एडवांस्ड अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग का ही कंटिन्यूएशन है, कुछ चैप्टर्स इधर है कुछ चैप्टर्स इधर है। और ऑडिट ये सब्जेक्ट जो है ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ऑडिट सब्जेक्ट में आपको अगेन 30 मार्क्स का जो MCQ केस स्टडी बेस्ड आता है। ये दो सब्जेक्ट स्कोरिंग के लिए थोड़े टफ माने जाते हैं, मुझे खुद को एज अ स्टूडेंट थोड़ी दिक्कत गई थी स्कोर करने में, मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया था ऑडिट का लेकिन मुझे मार्क्स मिले थे 60, मुझे लगा कि 80 प्लस मिल जाएंगे, इतना बढ़िया पेपर दिया था मैंने लेकिन मार्क्स मिले थे 60 या 61 कुछ तो भी, तो ठीक है फाइनल लेवल पर भी सेम हुआ था मेरे साथ। सो इसमें आपको आंसर्स कैसे लिखना, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, उसकी थोड़ी थरू प्रैक्टिस लगती है। और EISSM जो है ये 50 मार्क्स का EIS है, EIS का मतलब होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और SM का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये दोनों अलग अलग ही सब्जेक्ट है लेकिन काफ़ी समय से साथ में जुड़ के चल रहे हैं। जब हम स्टूडेंट थे तब इसका नाम था ITSM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो 50 मार्क का जो EIS का पेपर है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज वगैरह के ऊपर बेस्ड है, ओके डेटा कलेक्शन के प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सिस्टम्स कैसे रहते हैं, डेटा का फ्लो कैसा रहता है, उसके ऊपर बेस्ड है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पर दिक्कत क्या जाती है, मुझे भी गई थी, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखना पड़ता है, थियोरेटिकल रहता है। एंड एक और बैड न्यूज़ बताऊँ तो CA फाइनल में पहले इसका नाम का सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट जब हम स्टूडेंट्स थे, तो वो नए सिलेबस में मतलब आपका जो सिलेबस है 2018 वाला उसमें EIS में वो सब सिलेबस उठा के डाल दिया है CA फाइनल का, तो इट मेक्स इट ऑल द मोर कॉम्प्लेक्स। तो मुझे पर्सनली वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, अगर आप पूछो कि 8 में से मुझे कौन सा सब्जेक्ट सबसे कम पसंद है तो उसमें भी ये सब्जेक्ट और ये इसके अंदर भी ये वाला सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी पे बहुत स्ट्रेन देना पड़ेगा जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में मेमोरी का तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। ओके टैक्स तो आपके लिए रोजी रोटी वाला सब्जेक्ट है ना, CA बनने के बाद मैक्सिमम लोग तो टैक्स की फील्ड में काम करते हैं, तो ये तो आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना ही है, वैसे भी इंटरेस्ट आता है ओके जब हम लोग नए नए अपडेटेड प्रोविजंस देखते हैं, बट ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर बेस्ड है। तो आगे अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें फर्दर CA बनने के बाद DSA वगैरह कर सकते हो, है ना, इसके ऊपर बेस्ड मतलब एक एडिशनल सर्टिफिकेशन होता है लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। SM इज लाइक मिनी MBA थियोरेटिकल, मतलब इसमें आपको मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। ओके अगेन पेपर जो रहेगा इसका विल बी बेस्ड ऑन मेमोरी, आपको कीवर्ड्स जो है वो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके तो ये इस टाइप का, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट में बिना समझे काम चलेगा, पहले तो समझने की कोशिश करना है, जितनी चीज़ें समझ के हो जाए उतना याद रखने को आसान रहेगा लेकिन एग्जाम में रिकलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके सो डिफिकल्टी लेवल वाइज ग्रुप 1 क्योंकि वास्ट ज़्यादा है इसलिए उसकी डिफिकल्टी थोड़ी रहती है, बाकी एज सच एक एक चैप्टर अपने आप में कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। ग्रुप 2 उतना वास्ट नहीं है लेकिन उसमें थियोरी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है इसलिए डिफिकल्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब कंपेरेटिवली।
तो दोनों ही अपने आप में डिफिकल्ट तो है। अगर कोई आपको बोलता है कि बहुत आसान है तो गलत बात है। ओके, कोई बोलता है कि सीए तो 10वीं और 12वीं से भी इजी है, तो वैसी बात नहीं है, आपको यहां पर एक्स्ट्रा मेहनत तो करना होगा। ओके, इट विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एफर्ट। 10th और 12th में तो आपको पता रहता था एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है और क्या सब है। तो 12th तो आप लोगों ने किस सर्कमस्टेंसेस में दिया है, अभी जिन लोगों का 12th हुआ है तो उनको पता ही है। सो दिस इज यस डेफिनेटली टफर, एंड इसलिए तो इसकी वैल्यू है ना। आगे इंटरमीडिएट क्लियर करोगे तभी तो आपको आर्टिकलशिप में एंट्रेंस है, तभी आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा। तो टफ नहीं रहेगा तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब ये जो टफ चीज रहती है इसको सेल थ्रू करने के लिए टीचर्स का रोल आता है। तो अब यहाँ पर डीजीएस कैप्स में हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने स्पेशलाइज टीचर्स हैं, तो वो आपको लेकर के चलेंगे सब्जेक्ट के साथ साथ में। एंड वी हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस मेनी मेनी ईयर्स नाउ। ओके, सभी टीचर्स के आपको जो ब्राउचर मिला होगा मे बी एग्जाम सेंटर पे, या आपको अलग से भी व्हाट्सएप पे आप मांग सकते हो ऑफिस नंबर पे, तो उसमें आपको सभी टीचर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मिला होगा। आप में से कई लोग तो ये सभी टीचर्स को पहचानते ही हो। ओके, इसमें से मैं हूँ, नीरज सर है, शशांक सर है, शर्मा सर, सालवान सर, इनसे तो आप लोग फाउंडेशन लेवल पर पढ़ चुके हो। तीन टीचर्स आपको नए मिलेंगे, राहुल ठकवानी सर, मनोज शर्मा सर एंड रवि टावरी सर। ओके, इनमें से रवि सर एंड मनोज सर तो मेरे खुद के टीचर्स रह चुके जब मैं स्टूडेंट था। रवि सर हैड जस्ट स्टार्टेड हिज टीचिंग करियर एंड मनोज सर उस समय भी पढ़ाते थे, उनको तो तब 8-10 साल हो चुके थे। सो ऐसी टीम है हमारी। ओके, सी इंटरमीडिएट को केटर करने के लिए। अब सब्जेक्ट वाइज कैसे है, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग, ये पढ़ाएंगे आपको डीजी शर्मा सर। ओके, ये सब्जेक्ट जो है ये आपको पढ़ाएंगे डीजी शर्मा सर, एफएम वाला पार्ट। इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है ये आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर प्रेम मोहन सालवान सर। ओके, देन टैक्सेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, लॉ पढ़ाएंगे आपको शशांक सर, जो कि फाउंडेशन लेवल पर भी आपको लॉ पढ़ा चुके हैं। ऑडिट पढ़ाएंगे आपको रवि टावरी सर। ईआईएस वाला पोर्शन आपको पढ़ाएंगे मनोज शर्मा सर, जो कि सीए है, प्रैक्टिसिंग सीए है, 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस उनके पास में। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाएंगे सीएस राहुल ठकवानी सर, जो कि सीएस के सेगमेंट में भी सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एंड उसमें उनकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है स्टूडेंट्स में। तो ये ऐसी हमारी टीम है। ओके, एंड ये वेरी वेल एस्टैब्लिश टीम है ओवर द ईयर्स। अब इसमें एक एक फैकल्टी के बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, इनकेस कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे तो उनके लिए। ये देखिए, सीए डीजी शर्मा सर, आपको पता है कि उनके पास में तीनों क्वालिफिकेशन है, 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 1989 से टीचिंग करते आ रहे हैं एंड ही हैज बीन टीचिंग दीज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, दीज वेरी सब्जेक्ट्स। सर ने अपनी टीचिंग करियर के स्टार्टिंग से ही अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया है। ओके, सो नो सब्जेक्ट इज न्यू फॉर शर्मा सर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपको कोई लोग बोलेंगे कि शर्मा सर कॉस्टिंग में नए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप 90s के या अर्ली 2000s के चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर मिलोगे तो उनको कॉस्टिंग सी ए डी जी शर्मा सर नहीं पढ़ाया है। एंड शर्मा सर का टीचिंग का अप्रोच फाउंडेशन लेवल पर आप देख चुके हो, यू नो वेरी वेल कि समझा के पढ़ाते हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। अंडरस्टैंड मैं जो बोल रहा हूँ कि समझ के पढ़ोगे तो आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम अच्छा जाएगा। अभी एक स्टूडेंट था हमारा, क्योंकि अर्ली बर्ड बैच में ना अकाउंट्स कॉस्टिंग नहीं होता है, तो उसने कॉस्टिंग का एक सब्जेक्ट कोई एक दूसरे शहर के फैकल्टी से कर लिया। अब शुरू तो कर लिया लेकिन उसको बाद में समझ में आया कि वो सर क्या करते हैं कि एक स्क्रीन पे क्वेश्चन रहता है और एक स्क्रीन पे आंसर रहता है और वो आंसर देख देख के आंसर लिखते हैं, बच्चों को क्लास में डिक्टेट करते हैं। अब अगर ये अप्रोच से आपको कॉस्टिंग पढ़ाया जाएगा तो पास होना तो खुद के बल पे ही होना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो स्टूडेंट का आपको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप उससे पूछना। फिर उसने बाद में शर्मा सर को बोला कि सर मेरे से गलती हो गई, इतने मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर उसने ग्रुप टू में पूरा सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर लगा लिए, ग्रुप वन में उसने सिर्फ कॉस्टिंग नहीं लगाया था, क्योंकि उसने कॉस्टिंग मैंने आपको जैसे बताया दूसरी जगह जल्दी स्टार्ट कर लिया था। एंड देन ये क्या होता है, हम लोग कभी कभार मार्केटिंग गेमिक्स वगैरह के चक्कर में आ जाते हैं। टू कीप इट सिंपल, तो आपको बस ये देखना है कि आपके लिए सही क्या है एंड द सिंपलर द डिसीजन द बेटर इट इज। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ,
कुछ स्टूडेंट्स ना बहुत एक्स्ट्रा होशियारी दिखाते एंड लेट दैट इज द करेक्ट वर्ड, एक सब्जेक्ट एक जगह लगाएंगे, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी जगह, तीसरे सब्जेक्ट की पेन ड्राइव ले लेंगे, चौथा सब्जेक्ट और एक जगह, ऐसा इस तरीके से पूरा करते हैं. एंड आई हैव नंबर ऑफ सच एग्जाम्पल्स, डजन्स ऑफ सच एग्जाम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये किया और खुद की पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाए. कभी पेन ड्राइव लिया तो उसमें उनको डिलेज होते गए, कभी नोट्स अपडेटेड नहीं मिले, डाउट सॉल्विंग नहीं मिलती है, ये सब इश्यूज हुए. एंड अलग अलग जगह में क्लासेस थी तो टाइमिंग क्लैश होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ क्लासेस के टाइमिंग तो वैसे ये है, लेकिन हो सकता है कि आगे टू कवर अप द सिलेबस हम लोग टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करें. वैसे तो ग्रुप वन नॉर्मली सेम टाइम पे चल जाता है, लेकिन ग्रुप टू में कभी कभार ऑडिट के लिए रवि सर फर्स्ट मंथ में कुछ दिन लेते हैं, फिर पुणे चले जाते हैं वहाँ पे लाइव लेते हैं, तब तक आपका EISSM दोनों टाइम में होता है, फिर रवि सर नागपुर आते हैं फिर पढ़ाते हैं, तो ऐसा टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे होता है. कभी कभी एक सब्जेक्ट इवनिंग स्लॉट्स में होता है, ओके, 4 बजे के बाद भी होता है. तो अगर आप एक ही जगह पूरा लगाते हो तो आपको वो सब हैसल ही नहीं रहेगा कि हमको कहाँ पर क्या पढ़ना है. एंड अगर आप सोचते हो कि नहीं अपन तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के भरोसे कर लेंगे, तो बिलीव मी फ्रेंड्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा खुद से टाइम को प्लान करके मैनेज करना, अनलेस यू आर वेरी एफिशिएंट इन दैट. ओके, तो मेरा तो स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा, अगर मेरा छोटा भाई या बहन रहता था, अभी फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है और एक क्लास लगाना है, तो आई वुड हैव रिकमेंडेड लाइव क्लास लगाओ, वो भी फिजिकल लाइव क्लास. ओके, ऑनलाइन लाइव अगर कोई चॉइस ही नहीं है, अगर आप मतलब आप घर छोड़ के आ ही नहीं सकते कुछ कारण से, तो ऑनलाइन लाइव कर लो, ठीक है. लेकिन इफ इट इज पॉसिबल, देखो सुबह सुबह 7 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, मॉर्निंग आज में कुछ ट्रैफिक नहीं रहता है. आप में से जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं वो तो नागपुर आकर के आसपास में ही प्रीमाइसिस के आसपास ही आप जगह ले सकते हो रहने के लिए. जो दूर भी रहते हैं सुबह सुबह तो कोई भी एरिया से रामनगर स्क्वायर पहुंचने तक के आपको हार्डली 20 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स, और शाम को एक बार घर जाने के लिए आपको ट्रैफिक लगेगा. तो अब कुछ करियर में कुछ अचीव करना है तो इतना तो बेयर कर ही सकते हैं ना, कि ये भी नहीं. तो ये मेरा बोलना है कि मतलब डोंट थिंक कि सब कुछ हम लोग अपने डोर स्टेप पे अपने कन्वीनियंस पे रख ले, तो क्योंकि टू मच ऑफ कंफर्ट विल टेक यू आउट ऑफ द ग्रोथ जोन, एंड ग्रोथ जोन के बाहर चले जाओगे तो आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी. तो ये ध्यान रखना. कमिंग बैक टू द फैकल्टीज, तो शर्मा सर जो है वो तो वैसे भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं, सोचने की क्षमता जो है हमारी डेवलप हो जाती है. तो आई पर्सनली हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ शर्मा सर सिंस फाउंडेशन टिल सी ए फाइनल लेवल, एंड अभी भी हम लोग सर से बहुत कुछ सीखते रहते हैं. एंड सर के कारण ही इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़े हैं एंड आज नागपुर एंड अराउंड रीजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं सक्सेसफुली. तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि क्या फर्क पड़ता है कि सही टीचर से आप पढ़े. तो शर्मा सर की जो बुक्स है नेशनल लेवल पर पब्लिश होती है, टैक्समैन पब्लिशर उसको पब्लिश करता है, वो सब तो आप लोगों को बातें पता ही होगी. सो सर के अंडर में बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स वगैरह आए हैं, ये तो पूरे कैप्स की लेगेसी रही है. एंड सर हैज़ बीन द पायोनियर ऑफ कैप्स. तो शर्मा सर आपके मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेंगे, आप देखोगे तो 360 मार्क्स 800 में से तो शर्मा सर के भरोसे आपके हो जाएंगे. और आपको अगर कुछ लगता भी है तो आप सर के रिविजन लेक्चर्स वगैरह, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पर देख सकते हो, अवेलेबल है सर के चैनल पर. तो आप देखोगे कि सर का पढ़ाने का स्टाइल कितना सही है. FM का 60 है और एडवांस्ड अकाउंटेंट का 100 है. 40 मार्क्स रिमेनिंग जो है FM का वो इकोनॉमिक्स है, वो आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर सालवान सर, जिनको तो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 4 decades का एक्सपीरियंस है. इकोनॉमिक्स के सेंट्रल इंडिया में सबसे रिनाउंड फैकल्टी है और आप लोग भी उनसे पहले के लेवल पर पढ़ चुके हो. तो सालवान सर विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर इकोनॉमिक्स पार्ट. देन आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ इनकम टैक्स एंड GST टैक्सेशन. ओके, तो मेरे बारे में वैसे तो जो लोग सेमिनार में आए हैं उनको मोस्टली पता होगा, बट जिनको नहीं पता है, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ कैप्स एंड आई हैव बीन अ रैंक होल्डर एट ऑल लेवल्स ऑफ CA एज वेल एज ऑल लेवल्स ऑफ CS. CA में जो तीसरा कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, उसमें फाउंडेशन का एग्जाम मुझे देना नहीं पड़ा. इंटरमीडिएट के एग्जाम में ग्रुप टू में मेरा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया था एंड फाइनल के एग्जाम में आई वॉज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम नागपुर सेंट्रल टू क्लियर. तो आई कैन से आई वॉज द नागपुर टॉपर, एक में से एक. ओके, एग्जाम ज़्यादा लोगों ने दिया था लेकिन आई हैपन टू क्लियर दैट. ये सब मैंने CA बनने के बाद किया था. CA में CS मैंने CA बनने के पहले ही कंप्लीट कर लिया था एंड मेन मेरा फोकस CA पे रहा है. आफ्टर क्वालिफाइंग आई हैव बीन टीचिंग, नाउ इट्स बीन मोर देन 10 years ऑफिशियली दैट आई हैव बीन टीचिंग. हाँ, टैक्सेशन मैं पढ़ा रहा हूँ 2013
ओके सितंबर 2013 से, तो आप गिनती लगा सकते हो कितने साल का एक्सपीरियंस से, बट एज फार एज आई कैन रिमेंबर आई हैव टेकन 17 रेगुलर बैचेस ऑफ टैक्सेशन। एंड ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि बहुत डायनेमिक है, एंड अ डायनेमिक सब्जेक्ट रिक्वायर्स कंटिन्यूस अपडेशन ऑफ नोट्स स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आईसीआई का स्टडी मटेरियल ऑर्डर करोगे तो उसमें भी और चेंजेस होते हैं, क्योंकि टैक्सेशन में चेंजेस जो है ना वो 31 अक्टूबर तक होते रहेंगे, 31 अक्टूबर 2022 तक होते रहेंगे। तो मैं आपको टैक्सेशन पढ़ाऊंगा एंड विथ वेरी वेल अपडेटेड कंटेंट, तो आप उसकी चिंता मत करो। इसके अंदर में हम लोग एमसीक्यूज तो बोनस ही रहेगा आपके लिए। देर आर ऑलमोस्ट 1000 एमसीक्यूज ऑफ इनकम टैक्स, ऑलमोस्ट 500 एमसीक्यूज ऑफ जीएसटी, एंड मेन जो हमारे चैप्टर्स है उसमें भी हम लोग 350 क्वेश्चन इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करेंगे, ओके 100-150 क्वेश्चन जीएसटी में करेंगे, एंड पूरा जो हर चीज है फ्लो चार्ट्स वगैरह के थ्रू उसके थ्रू पढ़ाएंगे। अब टैक्सेशन मेरा कोर सब्जेक्ट रहा है स्टार्टिंग से, मतलब इट हैज नॉट बीन माय फेवरेट एज सच टू बी ऑनेस्ट, ओके आई डोंट लव टीचिंग टैक्सेशन बट आई लव टीचिंग एंड द सब्जेक्ट आई गॉट एट दैट टाइम वाज टैक्सेशन। पहले डॉक्टर जैन सर पढ़ाते थे कैप्स में एंड देन उनके सडनली जाने के बाद में मुझे मौका मिला था। सो उस समय 100 स्टूडेंट्स की बैच थी एंड उसी समय से नागपुर टॉपर्स एंड ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हमारे आना शुरू हो गए थे। तो ये सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाएंगे। मैं पहले अर्ली बर्ड बैच जो स्टार्ट करूंगा उसमें पहले जीएसटी स्टार्ट करूंगा, ओके फिर रेगुलर बैच में इनकम टैक्स स्टार्ट करूंगा। तो आपको समझ रहे, तो ये भी मैं आपको प्लानिंग समझाऊंगा कि कैसे अर्ली बर्ड बैच का आपको फायदा मिलेगा बाद में कैसे आपका टाइम बचेगा। सो दिस इज अबाउट टैक्सेशन एंड आपको टोटल 5 बुक्स मिलेगी, ओके इनकम टैक्स की 2 मॉड्यूल्स, 1 एमसीक्यू बुक, जीएसटी की 1 मॉड्यूल और 1 एमसीक्यू बुक, 5 बुक्स हमारी तरफ से मिलेगी, ओके जो जिसपे हम लोग खुद काम कर चुके। और आईसीआई की बुक तो अलग है, वो तो आपको एडिशनल, आईसीआई का पूरा कंटेंट अपनी बुक्स में कवर्ड रहेगा। इवन आईसीआई की जो लेटेस्ट आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस रहते हैं, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, लेटेस्ट छोड़ो पिछले 20 सालों के एग्जाम के क्वेश्चंस अपने टैक्सेशन की बुक में वेरी वेल कवर्ड रहते हैं। तब जब स्टूडेंट एग्जाम में जाता है तो उसको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं लगता है कि अरे ये जो क्वेश्चन है ये तो हम लोग ने कभी किया ही नहीं, क्योंकि हम इतने सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी करके पहुंचते हैं। सो जैसा मेरा अप्रोच एज अ स्टूडेंट था, लीविंग नो स्टोन अनटर्न, उससे भी ज़्यादा सिंसेरिटी एज अ टीचर रहती है। सो दिस इज द सब्जेक्ट आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 9+9 ईयर्स, आपकी बैच के दौरान 9 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड उसमें भी उसके अलावा फिर बाकी सब्जेक्ट जो है वो मैंने बाद में एक एक करके शुरू किया, वेदर इट वॉज 11-12 CBSE अकाउंटेंसी और इट वॉज CA फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स, वो सब मैंने लेट स्टार्ट किया। देन शशांक शर्मा सर जो अगेन 10 ईयर से पढ़ा रहे हैं, लॉ का ही सब्जेक्ट उनका स्पेशलाइजेशन है हम बोल सकते हैं। फाउंडेशन लेवल पर आप में से कई स्टूडेंट्स शशांक सर से लॉ पढ़े होंगे, आपको वेरी वेल पता है कि कितने अच्छे एग्जांपल्स के साथ सर इतने थियोरेटिकल सब्जेक्ट को भी करवा देते हैं। एंड इंटरमीडिएट लेवल पर क्या होता है कि आंसर कैसे लिखना ये भी अच्छे से आना चाहिए, फाउंडेशन पर थोड़ा बहुत चल जाता है, उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं रहता है। इंटरमीडिएट में प्रेजेंटेशन स्किल्स प्लस मेन उसके पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तो उसमें शशांक सर विल हेल्प यू। अगेन उनके भी अलग से क्वेश्चन बैंक मिलती है, वो भी आपको बहुत अच्छे फ्लो चार्ट्स वगैरह बना करके पढ़ाते। सो यू शुड डेफिनेटली प्रीफर जॉइनिंग ऑल सब्जेक्ट्स एट डीजी शर्मा कैप्स, क्योंकि ये फैकल्टीज है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको टाइमलाइन बताया तो पहले के 3-4 महीने हम 3 ही फैकल्टीज आपको मिलते रहेंगे, शर्मा सर पहली 2 क्लासेस में, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, फिर शशांक सर का सब्जेक्ट लास्ट है, फिर भी आपको बोर नहीं होगा, लंच के बाद का है फिर भी आपको बोर नहीं होगा, चिंता मत करो, मतलब नींद नहीं आएगी क्योंकि शशांक सर पढ़ा रहे। मतलब और कोई लॉ का टीचर पढ़ाते थे तो शायद हम बोल सकते हैं कि थियरी सो जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, आपको फाउंडेशन का एक्सपीरियंस होगा। देन ग्रुप 2 में रवि टाउरी सर, सलवन सर के बारे में बात हो गई, रवि टाउरी सर जो कि 2008-09 से पढ़ाते आ रहे हैं, ही हैज स्पेशलाइजेशन इन ऑडिटिंग, उनका ऑडिट गुरु नाम का वेबसाइट है आप देख सकते हो, ऑडिट गुरु नाम का यूट्यूब पे चैनल भी है, सर के 60,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स है, अभी करंट लेवल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब सर यही सब्जेक्ट इंडिया की 3 मेजर अकेडमीज में पढ़ाते हैं, एक नागपुर में, एक पुणे में और एक गुजरात में, ये सब्जेक्ट साल भर यही पढ़ाते हैं, इंटर का ऑडिट और फाइनल का ऑडिट, बस यही। तो आप सोच के देखो सर ने इसके कंटेंट पे कितनी मेहनत करके रखा है, सर ने इसमें परम नाम की बुक निकाले जिसमें क्वेश्चंस कवर्ड है, सर ने इसमें बहुत कुछ मतलब एमसीक्यू बुक और ये वो स्टूडेंट्स के एक्रोनिम्स बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं,
एंड अगेन काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ में सर का सब्जेक्ट जो है वो होता है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर रवि सर ऑनलाइन पढ़ाएंगे कि लाइव पढ़ाएंगे, तो रवि सर बेटा लाइव ही पढ़ाने वाले, फिजिकल लाइव। कुछ कुछ क्लास वो अगर बीच में पुणे जाते हैं तो कुछ कुछ क्लास वो रिविजन के लिए ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन मेनली वो फिजिकल लाइव ही पढ़ाते हैं क्योंकि उनका नागपुर पुणे में दो बैचेस चलते हैं, उसको वो मैनेज करते हैं। तो आप चिंता मत करो, आपका सिलेबस वो बहुत अच्छे से कवर करवा देंगे। ओके, एंड ही स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक्स एंड वेरी गुड मार्क्स इन CA इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। मनोज शर्मा सर, जिनसे मैं खुद पढ़ चुका हूँ, हैज विल बी टीचिंग यू IT और इंफॉर्मेशन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS। तो मनोज शर्मा सर भी आप मिलोगे उनसे तो आपको समझ आएगा कि बहुत ही हंसते खेलते एक टेक्निकल सब्जेक्ट के थ्रू आपको लेके चले जाते हैं, तो उनके क्लास में भी आपको मजा बहुत आएगा। एंड देन राहुल ठकवानी सर, ये दोनों सर मिलकर के आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कवर करवा रहे। राहुल सर विल बी टीचिंग यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट। अगेन राहुल सर हैज अ थरो नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो ऑफ कॉरपोरेट वर्ल्ड। ओके, तो राहुल सर जो है आपको बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल्स दे देके, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन पढ़ाना है तो HDFC एंड HDFC बैंक का मर्जर के थ्रू आपको पढ़ाएंगे लेटेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ में, ताकि आपको उसका जो सब्जेक्ट का नॉलेज मिले, सीधा सीधा उसका बेनिफिट हो सके आगे डिसीजन मेकिंग में। एंड येस एट द सेम टाइम आपके एग्जाम में स्कोर करने में आपको पूरी मदद मिलेगी, उस तरीके से आपकी क्लासेस होती है, उस तरीके से एक्सप्लेनेशंस रहती हैं क्लासेस में। एंड देन एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं, क्लास टेस्ट होती है, ये देखिए यहाँ पर वैसे तो सब चीज़ें लिखी हुई है ना, देखो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका ये जो है प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलता है, अगर आप एक जगह प्रॉपर क्लासेस लगाते हो, क्लास टेस्ट होती है, उसमें आपको कमेंट्स के साथ में पेपर्स मिलते हैं चेक होके, डाउट सॉल्विंग होती है क्लासरूम की तरह ही, मतलब कि ऑनलाइन भी बच्चे कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से अगर आप कैसे भी करना चाहे कर सकते हो, तो डाउट सॉल्विंग तो हमेशा अवेलेबल है। फाउंडेशन लेवल पर आपको, अगर आप में से कोई पढ़े हो तो आपको पता है आपका स्टैटिस्टिक्स का एक भी डाउट अनआंसर्ड नहीं गया होगा आखिरी तक के। इवन एग्जाम के दिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट भेजा था, मैंने उनको सॉल्व करके भेजा। देन कोर्स कंप्लीशन टाइमली होता है, डे टाइमिंग रहता है, आपको शाम का टाइम पढ़ाई के लिए मिल जाएगा, देर आर नो शॉर्टकट्स इन टीचिंग, रेगुलर मेंटरशिप सेशंस। अब कैप्स में CA प्रियांशी मैम है, आप लोग फाउंडेशन लेवल पर नीरज बत्रा सर से पढ़े हो तो वो लोग भी अवेलेबल रहेंगे टाइम टू टाइम, आपको कुछ दिक्कत जाती है तो। वैसे तो मैं खुद भी अवेलेबल रहता हूँ, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ दिक्कतें जाती है ओवरऑल, सब्जेक्ट की तो है लेकिन ओवरऑल कि हम मैनेज कैसे करें, क्लास टेस्ट कैसे दें, वो सब। एंड देन आपका जो पढ़ाई उसके साथ साथ में क्लास का एनवायरमेंट एक आपको मिलेगा, लेक्चर्स लाइव रहते हैं है ना, फिर आपको बैकअप फैसिलिटी मिलती है। जैसा आपको, आप में से जो स्टूडेंट फाउंडेशन कर चुके हैं आपको पता है कई लोग ना सिर्फ 1 व्यू 1.5 व्यूज उतना देते हैं बैकअप में, हम लोग आपको एग्जाम्स तक के अनलिमिटेड व्यूज देते हैं बैकअप का हमारे कैप्स लर्निंग के ऐप में, तो बैकअप फैसिलिटी आपको मिल जाती है। लेकिन बैकअप के भरोसे मत क्लासेस छोड़ना शुरू कर देना, तो फिर उस केस में आपका सिलेबस बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई कर सकते हो, ओके, एंड जो क्वालिफाइड फैकल्टीज है उनको देख करके आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि इन्होंने किया है हम भी कर सकते हैं। जैसे मैं शर्मा सर को देखता था कि इन्होंने CA CA CMA किया तो मुझे भी करना है, तो मैंने भी तीनों चीज़ें इवेंचुअली कंप्लीट किया। ओके, एंड क्लासरूम लाइव में अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप ऑनलाइन मोड पर कभी शिफ्ट हो सकते हो, ऑनलाइन मोड में अगर आपको नहीं जमता है तो आप क्लासरूम में आके बैठ सकते हो, तो बहुत ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइव क्लास का ही स्ट्रीमिंग होने वाला है। एंड यस, एक बोनस रहता है कि अगर आप एक एकेडमी में पूरी तरह लगे रहते हो तो आपकी रेगुलर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है इंक्लूडिंग एडवेंचर कैंप, स्पोर्ट्स, अभी तो हम लोग ने एवरी वीक का स्पोर्ट्स शुरू कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा कुछ एक्सपर्ट को बुला करके सेमिनार वेबिनार, ओके, वीकली वाव वॉक्स एंड सो ऑन, तो ये सब चीज़ें का भी आपको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि इसके बाद फाइनल लेवल पर आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्लासेस एक जगह नहीं मिलेगी, फाइनल लेवल पर बच्चे आर्टिकलशिप के साथ साथ करते तो वहाँ पर तो मोस्टली ऑनलाइन मोड ही प्रीफर करते, तो यहाँ पर आप लोग एक लास्ट चांस अपने आप को दे सकते हो जहाँ पर सिस्टमैटिक सुबह एक प्रीमाइसेस में आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं एंड पूरी पढ़ाई करके हम लोग निकल रहे हैं, एंड आप क्लासेस खत्म होने के बाद में भी आप एक्स्ट्रा टाइम में लाइब्रेरी फैसिलिटी में यूज़ करके आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसा है आपके लिए पूरा जो प्लान है। अर्ली बर्ड बैच के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, अर्ली बर्ड बैच जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 25th of July मंडे, एंड आपका जो रेगुलर बैच है ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट का,
अभी स्टार्टिंग में हम लोग ग्रुप वन स्टार्ट करेंगे, इट विल स्टार्ट आफ्टर रिजल्ट, 7 to 10 days विद आफ्टर द रिजल्ट। तो 25 जुलाई को अर्ली बर्ड बैच स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मान लो आपने नहीं लगाया तो क्या आप टैक्स लॉ में पीछे हो जाओगे? द आंसर इज नहीं, आप पीछे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाले पीरियड में हम लोग थोड़ा सा टैक्स एंड लॉ पढ़ लेंगे। तो जो बच्चों ने यहाँ पर टैक्स एंड लॉ पढ़ लिया तो उनको ना बेटा यहाँ पर कहीं तो भी नवंबर मिड या दिसंबर के महीने में यहाँ का जो सिलेबस है इसमें थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर कुछ पढ़ लिया तो यहाँ पर आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। अब आपको ये नहीं समझ रहे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग अर्ली बर्ड बैच इसलिए नहीं पढ़ा रहे ताकि जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स आ जाए और एडमिशन हो जाए, हम लोग अर्ली बर्ड बैच आपके बेनिफिट के लिए पढ़ा रहे हैं। आप समझो क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो डबल एफर्ट करना पड़ रहा है, हम लोग रेगुलर बैच में तो पूरा पढ़ाने ही वाले, जो टैक्स एंड लॉ का हमने सोचा है पूरा, इनकम टैक्स यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जीएसटी यहाँ पर चलेगा, रेगुलर बैच में पूरा पढ़ाएंगे हम लोग। लेकिन जो बच्चे अर्ली बर्ड में आ जाते उन लोग ने टैक्स में यहीं पर जीएसटी पढ़ लिया। अब जीएसटी शायद पूरा खत्म नहीं हो पाएगा अर्ली बर्ड में, लेकिन जीएसटी के 10 में से मान लो आपने 5 या 6 चैप्टर भी पढ़ लिया तो उतना आपको आगे आपको उतना कट जाएगा, मतलब उतना आपको डबल से करने की जरूरत नहीं है। आपने तो अर्ली बर्ड में पढ़ लिया है, आपको दोबारा करना है तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अर्ली बर्ड में, आपका एक मोमेंटम बन गया, एक टेम्पो बन गया, और यहाँ पर आप यहाँ पर जो टाइम रहेगा उसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इतने महीनों की पढ़ाई का थोड़ा सा बैकलॉग जमा हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, ओके। आपका बैकअप, कई लोग जो है बैकअप वीडियोस में से उनका कुछ मिसिंग रहता है तो वो देख सकते हैं, कुछ कुछ बच्चों का कुछ सेल्फ स्टडी का बैकलॉग रहता है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टाइम मिल जाएगा, अगर आपने अर्ली बर्ड बैच यहाँ पर कर लिया तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके। अर्ली बर्ड बैच वालों का आगे की जो क्लासेस है वो रेगुलर बैच वालों के साथ में होने वाले हैं, तो हम दिन में 2 बार नहीं पढ़ाने वाले, आगे आगे हम लोग एक ही बार पढ़ाएंगे, उसमें दोनों बैचेस मर्ज हो जाएंगे। लेकिन अर्ली बर्ड बैच वालों का जब टॉपिक जो यहाँ पर हो चुका है वो आगे आएगा, तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आगे उनको उतना फ्री टाइम रहेगा। अब वो लोग दिन में शाम को 4 बजे घर जाने के बजाय सुबह 11:30 बजे फ्री हो जाएंगे, बैठना है तो बैठ सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ाई हो गई थी, बैकअप से आगे का रिविजन हो जाएगा, तो आप लोग जा सकते हो। तो आपको वो दिन का बहुत सारा टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी करने के लिए, एंड देन यू कैन डिसाइड एट दैट स्टेज कि आप ग्रुप टू के लिए रेडी हो कि नहीं हो। तो ये बेनिफिट है अर्ली बर्ड बैच के। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दिया हुआ है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बैच थी नवंबर 2021 में जिनका रिजल्ट आया था नवंबर 2021, इसमें 22 स्टूडेंट्स शायद आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिन्होंने बोध ग्रुप पास किया था, ओके, राइट फ्रॉम विवेक वासवानी टू द एंड। अब इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे यही फाउंडेशन पढ़े थे, उसके बाद में इनको भी हम लोग ने अर्ली बर्ड बैच का ऑफर दिया था कि आप जल्दी स्टार्ट कर लो, एंड ये हम लोगों ने तब कोविड था तो ऑनलाइन स्टार्ट किया था, लॉकडाउन था। और इसमें से ये जो 22 बच्चे बोधरू पास हुए, इसमें से मैक्सिमम बच्चे अर्ली बर्ड बैच में थे, ओके, इसमें से बहुत सारे बच्चे अर्ली बर्ड बैच में थे, एंड दे देमसेल्स, आप इसमें से किसी का भी नंबर मुझसे मांग लो मैं आपको भेज दूंगा, दे देमसेल्स एक्नॉलेज कि अर्ली बर्ड बैच के कारण उधर जो ब्रीदिंग स्पेस मिली, उधर जो ऑलमोस्ट 1 महीने तक के 2-2 घंटे का टाइम मिला, तो उससे उनका पढ़ाई जो है वो ट्रैक पे आ गई, एंड कॉन्फिडेंस आ गया कि बोध ग्रुप अपन क्रैक कर सकते। ऐसा नहीं कि इन्होंने ही बोध ग्रुप के एग्जाम दिया, और भी बच्चों ने दिया होगा, लेकिन उसमें से कई बच्चे सिर्फ एक ग्रुप निकले होंगे, कुछ लोगों ने सेकेंड ग्रुप बाद में निकाला है, और हो सकता है उसमें से कुछ लोग कुछ भी पास नहीं हो पाए, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप बोध ग्रुप दोगे तभी ना बोध ग्रुप के चांसेस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी कब रहेगी, जब देंगे तो बोध ग्रुप पास हो सकते हो। तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट चांस, एंड यू कैन सी 500 मार्क्स के ऊपर लाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स का रिजल्ट रहा है जो नवंबर 2021 बैच का। उसके बाद अभी मई 2022 में एग्जाम हुई जिसका रिजल्ट तो अभी पेंडिंग है, बट वी आर श्योर उसमें भी कई स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, उनको भी टाइम आप लोगों की तरह ही थोड़ा कम मिला था, उनकी बैच तो 20 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उनका तो बहुत उस समय आपको याद होगा तो कोविड की वेव आई थी और बहुत सब कुछ डिले हुआ था, तो उनका तो रेगुलर बैच काफ़ी लेट स्टार्ट होता, फिर भी उन लोगों ने उसमें से कई लोगों ने बोध ग्रुप की क्लासेस किया, बोध ग्रुप के एग्ज़ाम दिया, एंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। आज सुबह ही उसमें से एक स्टूडेंट आया था क्वाइट कॉन्फिडेंट कि सर बस एक रिजल्ट तो फॉर्मेलिटी है, मैंने तो आर्टिकलशिप के लिए सर्च करना शुरू कर दिया है। सो वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो आपका अर्ली बर्ड बैच कर लिया तो आपको ग्रुप टू क्लास स्टार्ट होने के पहले जो थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब आप ग्रुप वन को रिवाइज कर सकते हो, ग्रुप टू के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुशन मिल जाता है ना करने के लिए। अब सर हम लोगों ने एक ही ग्रुप का सोचना कि बोध ग्रुप का सोचना, एक क्वेश्चन रहता है बच्चों के माइंड में,
तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर बहुत ज्यादा डाउट है तो आप अभी एक ही ग्रुप का क्लास लगाओ, और जब एक ग्रुप खत्म होने में आएगा उस समय सेकेंड ग्रुप का सोचना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है चांस तो ले ही सकते अपन, तो आप अभी से बोध ग्रुप का क्लास लगा लो। उससे क्या होगा, आपको अभी प्रेशर रहेगा कि अपने को एक ग्रुप की पढ़ाई तो यहीं पे कंप्लीट करना है, उसके बाद तो 2-3 महीने में आखिरी में सेकेंड ग्रुप करना है। आप समझ रहे हो, आपको यहां पर तो सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई करना है। अगर प्रेशर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि इधर टाइम कम है। अगर आपको लगेगा अरे अपने पास तो बहुत टाइम है आराम से करते हैं, तो वो मोमेंटम थोड़ा सा आपका मिस हो सकता है। स्पेशली जो बच्चे बोध ग्रुप करना चाहते हैं उन्होंने तो अर्ली बर्ड में आना ही चाहिए, अर्ली बर्ड बैच में। अच्छा, अर्ली बर्ड बैच में आपने मान लो यहाँ पर फीस भर दिया, ओके आपने ज्वाइन किया, यहाँ पर आपको सिर्फ 4,000 रुपये की फीस भरना है टू बिगिन विथ, ओके। उसके बाद में अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग आपकी फीस का रिफंड कर देंगे। फाउंडेशन का गलती से किसी का रिजल्ट नेगेटिव आ गया, अर्ली बर्ड बैच लगाया था फिर भी, तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है और फिर आप पूरी सब्जेक्ट्स लगाने का प्लान करते हो, तो उस समय अर्ली बर्ड बैच जिन्होंने लगाया था वो बच्चों को फीस में 5,000 प्लस GST मतलब 5,900 रुपये का और कंसेशन मिल जाएगा। जो ओवरऑल जो फीस है, जो ग्रुप की फीस बोध ग्रुप की हमने डिसाइड किया है, उसमें बोध ग्रुप की फीस ऑलरेडी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो टोटल है उससे 12,000 रुपये कम है। मतलब बोध ग्रुप की फीस जो है वो ऑलरेडी काफी डिस्काउंटेड पैकेज में रहती है, उसमें और 5,000 रुपये कम करके अर्ली बर्ड बैच वालों को हम लोग मौका देंगे कि आप अब बोध ग्रुप लगाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 6,000 रुपये का फायदा हो जाएगा, एंड इसमें हमारा कुछ नहीं। सो ये आप सोच सकते हो अर्ली बर्ड बैच लगाने से आपका नुकसान कुछ नहीं है, वैसे भी अभी आप कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम तो नहीं कर रहे होंगे छुट्टियों में, तो आप ये इतने दिन पढ़ सकते हो। अब अर्ली बर्ड बैच का टाइमिंग क्या रहेगा, तो अर्ली बर्ड बैच आपका बहुत हैक्टिक नहीं रहेगा। आपका लॉ का टाइमिंग रहेगा सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक के, अर्ली बर्ड बैच का बता रहा हूँ, 8:30 बजे से 10, और उसके बाद टैक्स का टाइमिंग रहेगा 10:30 बजे से 11:45 या कभी कभी 12, ओके। सो ऐसा 1.25 से 1.5 घंटा लॉ रहेगा, 1.25 से 1.5 घंटा टैक्स रहेगा। तो धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट की एक फैमिलियरिटी आएगी, कुछ चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, एंड जैसे जैसे अपनी बैच चलती रहेगी इन द मीनवाइल आपके रिजल्ट का नोटिफिकेशन आएगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में भी अपने को कुछ दिन मिलेंगे, फिर आपका स्टार्ट होगा रेगुलर बैच। तब तक के अर्ली बर्ड में जो आपने पढ़ लिया वो बोनस है, आपको रेगुलर बैच में पूरा अटेंड करने को मिलेगा, इंक्लूडिंग जो अर्ली बर्ड में पढ़ाया था आपको करना है तो, और बैकअप तो आपको अर्ली बर्ड का मिल ही जाएगा, ओके, नोट्स भी यहीं से मिल जाएंगे। एंड अगर आप सोचते हो कि ठीक है हम अर्ली बर्ड लगा लेते हैं, उसके बाद में हम एक साथ बोध ग्रुप नहीं लगाना चाहते, तो ठीक है आप उस समय फर्स्ट ग्रुप लगा सकते हो, और फिर फर्स्ट ग्रुप एंड होने के टाइम पे डिसाइड कर सकते हो सेकंड ग्रुप लगाना या नहीं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा पैकेज का, क्योंकि हम लोगों को एक श्योरिटी हो जाती है ना कि स्टूडेंट अब पूरी तरह DGS कैप्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा कंसेशंस देते और उनको ऑल 8 सब्जेक्ट्स लगाने पर काफ़ी अच्छे हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1 सब्जेक्ट की फीस आपकी कम हो जाती है। आप समझ लो जब आप पूरा ही पैकेज लगा लेते हो तो आपकी ऑलमोस्ट 1 सब्जेक्ट की फीस कम हो जाती है। अब सर बोध ग्रुप का बेनिफिट कुछ है क्या? बेनिफिट बेटा 2-3 है। एक बेनिफिट है बोध ग्रुप का कि आपको सेट ऑफ मिल सकता है, मतलब अगर आपको फर्स्ट ग्रुप में चारों सब्जेक्ट में 40 प्लस तो है, टोटल मान लो फर्स्ट ग्रुप में आपको 230 मार्क है, और सेकंड ग्रुप में भी सब सब्जेक्ट में 40 प्लस तो है लेकिन सेकंड ग्रुप का टोटल 180 आया, यानी दोनों एग्जाम आपने सेम अटेम्प्ट में दिया, सेम ईयर में, सेम मंथ में, साथ में दिया, इसका एग्रीगेट कितना आ गया 410, तो आप पास माने जाओगे। इवन इफ इंडिविजुअली सेकेंड ग्रुप आपका नहीं निकला, बट ये इसको बोलते हैं सेट ऑफ। फर्स्ट ग्रुप के जो एक्स्ट्रा 30 मार्क थे वो सेकेंड ग्रुप में काम में आ गए, तो ये जो 20 मार्क है इसका आपको इधर फायदा मिल गया और आपको 410 पे आप पास हो गए। एंड मैं आपको एक बताता हूँ बात, इसमें ये जो स्टूडेंट है ना, ये वाली जो स्टूडेंट है ईशा, शी वॉज वन ऑफ द फाउंडेशन टॉपर्स, उसको 475 मिले, यू विल नॉट बिलीव इट, उसको सेकेंड ग्रुप में सिर्फ 198 मार्क्स थे, मतलब इतने टोटल मार्क्स होने के बावजूद, मतलब फर्स्ट ग्रुप में कितने थे बेटा 277, उसको 2 मार्क का सेट ऑफ मिला है एंड उसका बोध ग्रुप क्लियर हुआ है। एंड ये तो चलो 475 है, ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको 401 402 403 मार्क 400 मार्क मिलते हैं और उसमें तो डेफिनेटली सेट ऑफ रहता है, मतलब एक ग्रुप में थोड़े ज़्यादा दूसरे ग्रुप में थोड़े कम, ओके। तो
ये आपको अर्ली बर्ड बैच वगैरह का फायदा रहता है, बोध ग्रुप देने का फायदा रहता है, सेट ऑफ का सेकंड फायदा रहता है बोध ग्रुप देने का। आप बोध ग्रुप अगर क्लियर करते हो तो आपको आर्टिकलशिप में प्रेफरेंस मिलता है। आर्टिकलशिप में जब आप जाते हो तो कोई भी सीए फर्म क्या चाहेगा कि एक ग्रुप क्लियर किया हुआ स्टूडेंट आएगा आर्टिकलशिप के लिए या बोध ग्रुप वाला? बोध ग्रुप वाला, उसकी ज्यादा वैल्यू रहेगी वहां पर। तो बोध ग्रुप वाले जो स्टूडेंट रहते हैं वो अपनी मर्जी से फर्म सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इधर नहीं जाना, मुझे इधर जाना है, उनकी चॉइस रहती है। बट देन जो फर्स्ट ग्रुप वाले गए हैं ऐसे तो बहुत है, तो उनकी उतनी चॉइस नहीं रहती है, जहां मिल रही आर्टिकलशिप वहां पे कर लो, ऐसा वाला हिसाब रहता है। तो ये एक बेनिफिट रहता है। एंड सेकंड थर्ड बेनिफिट, अगर आपने बोध ग्रुप एक साथ ही कर लिया तो आपको फाइनल की पढ़ाई करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, आपके और 6 महीने मतलब सेकेंड ग्रुप करने के लिए नहीं लगेंगे। तो दैट इज अनदर बेनिफिट। अब और एक बेनिफिट बता दो, चौथा, अगर आप बोध ग्रुप का सोचते हो तो आपका मोमेंटम थोड़ा अच्छा खासा बना रहेगा, अपने आप पे प्रेशर बना के रखोगे, मतलब मूवी लगी तो देखने नहीं चले जाओगे, आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि यार बहुत करना है, टाइम बहुत कम है, लिटरली 8 सब्जेक्ट और 8 महीने वाला हिसाब है, और एक एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको टेक्स्ट बुक के भी पूरे क्वेश्चंस करने का मतलब टाइम नहीं मिलेगा। एक बार कर लिए तो बहुत है, दो दो बार तीन तीन बार तो नहीं कर पाओगे पूरा। आपको करना पड़ेगा इंटरमीडिएट में स्टडी का प्लानिंग, कैसे मार्किंग करते हुए, फर्स्ट टाइम जो भी पढ़ रहे हो वो चीज को आपने शॉर्टन करना है सेकेंड टाइम के लिए, सेकेंड टाइम जो पढ़ रहे हो उसको थर्ड टाइम के लिए। अब जैसे टैक्स में तो मैं आपको पहले से शॉर्ट नोट्स वगैरह बना बना के देता हूँ, ओके, टैक्स में तो पूरे फ्लो चार्ट्स हो गए, ये हो गए, बाकी भी सब्जेक्ट्स में आपको मार्किंग करके मिलती है, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है रिविजन्स के लिए। एंड सीए इंटरमीडिएट में अगर आपको एक्सेल करना है तो वॉट मैटर्स इज द नंबर ऑफ रिविजन्स, इट डज नॉट मैटर एक बार कितने अच्छे से पढ़ा, इट मैटर्स पहली बार ठीक पढ़ा होगा लेकिन टोटल कितनी बार पढ़ पाया, टोटल 4 बार पढ़ा कि 5 बार पढ़ा, तब जाकर के रिजल्ट आता है। मार्च में आपकी रहेगी टेस्ट सीरीज राउंड 1, अप्रैल में रहेगी टेस्ट सीरीज राउंड 2, सिर्फ 2 राउंड रहते हैं, फाउंडेशन में 3 राउंड थे शायद आपके, इंटरमीडिएट में 2 ही राउंड रहते हैं क्योंकि 8-8 पेपर है। और मई में तो आपकी मेन एग्जाम रहेगी, मेन एग्जाम के पहले भी आप एक एक दिन का जो टाइम रहता है उसमें भी पढ़ाई आपको करना है। ये यहाँ पर फेब मार्च अप्रैल में पढ़ाई कैसे करना, इसके लिए मैं आपका प्लानिंग सेशन लूंगा इन द एंड, एट द एंड ऑफ योर क्लासेस, जब आपकी क्लासेस एंड होने पाएगी तब मैं आप लोगों के लिए प्लानिंग सेशन लूंगा, और वो मैं पिछले 10 सालों से लेते आ रहा हूँ हर बैच के लिए कि हाउ टू प्लान, एंड कई स्टूडेंट्स को उसके उसका बेनिफिट मिला है एंड उन्होंने एग्जाम में बोध ग्रुप या किसी ने एक ग्रुप क्लियर किया। सो आई विल नॉट टेक द क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट की मेहनत रहती है, स्टूडेंट का अप्रोच रहता है ना, सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा, कई सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई सब्जेक्ट में तो किसी ना किसी को दिक्कत जाएगी पढ़ते वक्त, तो उसमें अपन ने अटकना नहीं है। मेरा अप्रोच ये रहता है कि जो सब्जेक्ट में दिक्कत जा रही है वो सब्जेक्ट के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ओके। फॉर एग्जाम्पल मे भी शुरुआती दिनों में आपको कॉस्टिंग में दिक्कत जा रही है क्योंकि नया है, या टैक्स में जा रही है क्योंकि नया है, तो उसके साथ और टाइम स्पेंड करो। अगर 1 घंटा दे रहे हो तो 2 घंटे बैठो रोज वो सब्जेक्ट को लेकर के, अगर रोज 3 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो कि हाँ मेरी तरफ से रिक्वायर्ड है, 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो मिनिमम है, अगर आप 3 को 4 कर सकते हो, 4.5 कर सकते हो तो बोनस। बट देन ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पहले ही दिन से 18-18 घंटे टोटल पढ़ाई करना है इंक्लूडिंग क्लासेस, नहीं, आप नींद पूरी लो, 6 घंटे पूरा सो, आप फ्रेश रहो, ओके, पढ़ाई करो, क्लासेस में ध्यान दो, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी, ये अपने क्लास का मोटो रहेगा, बिल्कुल रेगुलरली आओ, सिंसियरली करो, पंक्चुअली करो। एंड फ्रेंड्स एक वर्ड ऑफ कॉशन कि डोंट फॉल फॉर चीप मार्केटिंग गिमिक्स, ओके, कई लोग एकदम ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अपना प्रोडक्ट लाते हैं, मतलब कि आप हमारी क्लासेस ले लो, आप सिर्फ 15,000 रुपये में कर लो, 20,000 में पूरा पूरा ग्रुप, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब उसमें आप सोचो कि पैसे बच रहे कर लेते हैं, लेकिन आप वहाँ पर उतने से पैसे बचाने के लिए अगर अपनी जिंदगी के 6 महीनों को और क्या पता आगे के पूरे करियर को स्टेक पे लगा रहे हो, सो दैट डज नॉट मेक सेंस, ओके। जहाँ पर क्वालिटी है वहाँ पर कॉस्ट को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ओके, ये बात का ध्यान रखना आप लोग। हम लोग यहाँ पर सब इतने एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, तो हम लोग भी हमारे टाइम का चार्ज करते हैं, नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, एंड हमको नहीं लगता है अच्छा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्लैश करके बहुत ही कम कम अमाउंट में ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि फिर हम लोग फिर वो सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, बात सिंपल है, ओके। तो कोई अगर आपको आउटडेटेड लेक्चर्स दे रहा है, पुराने लेक्चर्स है, या तो फिर कोई डाउट सॉल्विंग का असिस्टेंस नहीं है, ये सब बहुत कुछ मिलेगा आपको। अभी 2 सालों में इतना लोगों ने खराब करके रखा है कि इवन नॉन क्वालिफाइड लोग पढ़ाने को आ गए, जो सीए खुद नहीं है वो लोग भी पढ़ाने को आ गए,
अब वो लोग इतने सस्ते सस्ते में बोलते कि हम पूरा सब्जेक्ट आपको दे देंगे। अब ये आप ये बात समझ लो कि आप कोई टी शर्ट नहीं खरीद रहे जो गलत खरीद लिया तो चलता है, आप यहाँ पर जिंदगी के 6 महीनों का आप एक एकेडमिक कोर्स ले रहे हो, ओके, जहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने ये 6 महीने में कैसा किया और ये बेस कैसा बना। प्लीज अंडरस्टैंड, कॉस्टिंग का सीए फाइनल में भी ओल्ड स्कीम में पेपर है, न्यू में सेल्फ असेसमेंट बेस्ड रहेगा, मतलब सेल्फ बेस्ड लर्निंग रहेगा। अकाउंटिंग तो सीए फाइनल में रह गई, टैक्सेशन सीए फाइनल में 2 पेपर है, डीटी एंड आईडीटी। लॉ सीए फाइनल में सेल्फ बेस्ड लर्निंग मोड में आ जाएगा, लेकिन रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए फाइनल में रहेगा, एडवांस्ड अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का एक्सटेंशन है, ऑडिटिंग सीए फाइनल में है, हाँ ईआईएस और एसएम सीए फाइनल में नहीं है। लेकिन ये 7 सब्जेक्ट का अगर आपको बेनिफिट सीए फाइनल में मिल रहा है तो क्या आप इंटरमीडिएट लेवल को हल्के में ले सकते हो? आप मेरी बात सुनो, फाइनल में तो आपको 2 या 3 साल का समय मिल जाएगा पढ़ने को, लेकिन इंटरमीडिएट इसलिए भी ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि 8 महीने और 8 सब्जेक्ट का खेल है। फाउंडेशन में भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, सब्जेक्ट्स कम रहते हैं। फाइनल में सब्जेक्ट्स तो उतने रहते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा रहता है। इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा है, टाइम भी कम है, दोनों चीज़ एक साथ है। एंड यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट द राइट टीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, एंड टू ज्वाइन ऑल द क्लासेस एट वन प्लेस। अब आपको मान लो पूरी क्लासेस यहाँ नहीं लगाना है तो आप पूरी क्लासेस कहीं और लगाओ, लेकिन पूरी क्लासेस मेरी एडवाइस मानो एक ही जगह लगाओ क्योंकि उसमें आपका टाइम बचेगा। अगर आप पूरी क्लासेस डीजी शर्मा कैफ में लगाते हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि आई विल बी एबल टू मीट यू एवरी डे एंड हमारे आपस में डिस्कशंस होते रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा फाउंडेशन का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, डाउट सॉल्विंग नहीं हुई, जो भी आपके इश्यूज होंगे, अगर वैसे तो नहीं होंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप यहाँ पर मत लगाओ। लेकिन जो जहाँ भी लगा रहे हो एक ही जगह 8 सब्जेक्ट लगाओ इफ अवेलेबल। ये भी तो प्रॉब्लम है, कई जगह कई एकेडमीज में 1 या 2 सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे लेकिन बाकी नहीं है, तो यहाँ पर आपको पूरे ही बेस्ट मिल रहे हैं, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो ये आपके लोगों के लिए पूरा प्लानिंग है। एक और सेशन में अर्ली बर्ड बैच के बारे में लूँगा जिसमें हम लोग थोड़े टॉपिक्स वगैरह की भी क्लैरिटी देंगे 22 जुलाई को, फ्राइडे 22 जुलाई 6 PM। लेकिन उसके पहले 20 जुलाई तक के ही अर्ली बर्ड बैच में आप एडमिशन लोगे तो आपको वो जो फीस का बेनिफिट है मैंने बताया वो मिलेगा। 20 जुलाई के बाद करते हो क्योंकि हम लोगों को भी क्लैरिटी लगती है कि कितने स्टूडेंट्स बैच में आ रहे हैं, कितने नोट्स प्रिंट करना है, क्या करना है, इसलिए हमने 20th of July इसका एडमिशन का कट ऑफ डेट रखा है फॉर फीस कंसेशन। उसके बाद आते तो आपको फीस का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो 5900 का मैंने आपको बताया था। सो यू कैन स्टिल ज्वाइन द अर्ली बर्ड बैच। एंड देन एक सेमिनार मैं लूंगा फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद। आप में से कोई स्टूडेंट अगर अर्ली बर्ड बैच नहीं लगाना चाहते लेकिन फाउंडेशन के बाद दोबारा, तो फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद एक और सेशन लूंगा आफ्टर यू क्लियर द एग्जाम। 2 सेशन लेते हैं हम, एक फाउंडेशन क्लियर वालों के लिए, एक फाउंडेशन नॉट क्लियर वालों के लिए कि अभी कैसा। तो आई होप आप लोग सभी के सभी, जितने लोग ऑनलाइन बैठे एंड ऑफलाइन, आप सभी के सभी फाउंडेशन एग्जाम्स तो फ्लाइंग कलर्स के साथ में क्लियर करो एंड करोगे, एंड उतने ही जोश के साथ में इंटरमीडिएट में आओ। एंड द बेस्ट पार्ट इज नाउ वी हैव लॉकडाउन इज ओवर, फिजिकल क्लासेस हैव स्टार्टेड। आप में से कई लोगों ने इफ नॉट फुल्ली पार्शियली ऑनलाइन मोड से पढ़ा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड आपको ऑनलाइन में गया है। अब जैसे वेबिनार में भी आप ऑनलाइन हो, ये सब एडवांटेजेस भी ऑनलाइन के, बारिश थी तो इसलिए आज वेबिनार में ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ऑफलाइन मोड के अपने बेनिफिट्स हैं, तो क्लासेस ऑफलाइन ही प्रीफर करना। एंड वी विल नॉट हैव एनी सेपरेट पैकेज फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, हम लोग सेम फीस रखेंगे ऑफलाइन के लिए भी एंड ऑनलाइन लाइव के लिए भी, क्योंकि हम लोग एंकरेज करना चाहते कि बच्चे ऑफलाइन में आए। ओके, पिछली बार लॉकडाउन की परिस्थिति आती इसलिए हम लोग ने ऑनलाइन की फीस अलग रखी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऑफलाइन में आओ, ऑनलाइन में जब ज़रूरत पड़े तभी देखो। एंड ये पूरे पुराने टॉपर्स वगैरह हैं, आप देख सकते हो July 21 में वी हैड ऑल इंडिया रैंक 13 दीपेश नागदेव, एंड देन उसके पहले July 21, January 21 जो नागपुर के जो टैक्स टॉपर्स रहे हैं वो अपने यहाँ के स्टूडेंट्स रहे हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं कपिल एंड सोहम। एंड देन इसके पहले भी आप देख सकते हो हर एक एग्जाम में देर हैव बीन नागपुर टॉपर्स और कैप्स टॉपर्स जो जो है उनके भी मार्क्स वगैरह हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स। सो दिस हैज़ बीन द लेगेसी ओके ऑफ डी जी शर्मा कैप्स, जहाँ पर सभी फैकल्टीज फुल पैशन के साथ में स्टूडेंट्स को पहले रखते हुए पढ़ाते हैं, प्लान करते हैं। एंड इसी के लिए मैंने आपका एक सैटरडे इवनिंग को सेशन लिया, मेरे कुछ पर्सनल प्लान्स भी थे लेकिन मैंने उसको रीशेड्यूल किया और ये सेमिनार आप लोगों के लिए लेना भी ज़रूरी था तो ये लिया। अब आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं
तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया बताने का तो वो भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हो. इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन आस्क मी राइट अवे, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. यस नहीं, कॉस्टिंग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ने पूछा है कि कॉस्टिंग अकाउंट में अमेंडमेंट्स होते कि नहीं. तो अमेंडमेंट्स नहीं होते जनरली, ये सेम सब्जेक्ट चलता है, और होते तो हार्डली थोड़ा बहुत होता है. मेन अमेंडमेंट्स टैक्सेशन में होते हैं, और टैक्सेशन में 31 अक्टूबर तक के होते रहते हैं. लेकिन मुझे आइडिया है वेरी वेल एक्सपीरियंस से कि कौन सा फाइनेंस एक्ट आपको लगेगा और कौन सा अमेंडेड नोट्स आपको देना है. तो मेरी वो बैकग्राउंड में मेहनत चालू है. ये समझ लो जितने आर्ट्स के आपको मैं टीचिंग करूँगा उतने ही आर्ट्स की बैकग्राउंड में नोट्स पे वर्किंग करूंगा, और इतने सालों में बहुत जबरदस्त नोट्स अपने बन चुके हैं. आप पूछना कोई भी सीनियर से कि कैसे. एंड लॉ में थोड़े बहुत होते हैं अमेंडमेंट्स, एंड ऑडिट में थोड़े बहुत होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में कम ही होते हैं, है ना. देन यस मानव, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप पूछ सकते हो. आपका मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, बोलिए. बोलिए. बेटा एक मिनट, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं काम करता हूँ मेरे मोबाइल से कनेक्ट करके आपकी आवाज सुनता हूँ. एक मिनट रुक जाओ, कुछ तो भी आप कॉस्टिंग और अकाउंट से संबंधित बोल रहे थे. एक मिनट रुक जाओ. हाँ बेटा बोलिए. मानव सर, मुझे ना पहले भी बहुत से लोगों ने बोला था कि कॉस्टिंग और अकाउंट्स में जो रहता है वो उसमें मैथ्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है, उसके वजह से बहुत हार्ड हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या. ओके गुड क्वेश्चन. कॉस्टिंग और अकाउंट्स में मैथ्स का ज्यादा रोल रहता है, ऐसा नहीं है. आपको ना बेसिक मैथ्स लगेगा, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेजेस का कैलकुलेशन. ओके बहुत हैवी मैथमेटिक्स नहीं लगेगा. आपने जो फाउंडेशन लेवल पर इंटीग्रल वगैरह पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन डेरिवेशन, वो सब नहीं लगता है. ठीक है, बहुत मैथ्स का मतलब नंबर्स का तो रोल है ही, तो नंबर्स तो रहेंगे ही बेटा इसमें. जब आप सीए में आए तो आपको पता ही कि आपको तो फिगर्स के साथ में दिन भर खेलना है. लेकिन बहुत हैवी मैथमेटिक्स वैसे एंगल से नहीं. हाँ, लेकिन आप बड़े बड़े टेबल्स बना रहे हो, उसको रिकनसाइल कर रहे हो, आप एक वैल्यू से उसका परसेंटेज निकाल के दूसरी वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो सब कैलकुलेशंस रहेंगे. ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स. यस, और कोई स्टूडेंट. यस ओके. सो अभी आई थिंक कोई डाउट्स है नहीं आपके. कुछ भी लगता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो. वैसे इन द मीनवाइल आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन, स्पेशली जिनका 12th हुआ है, उन्होंने सोच लेना है कि साथ साथ में ग्रेजुएशन कहाँ से करना है. तो उसके बारे में हम लोग पहले भी आपके ग्रुप्स में बता चुके हैं, एंड वीडियोस भी डाल चुके हैं ऑनलाइन. आपके पास ऑप्शन है नागपुर यूनिवर्सिटी, DAMIMS, या तो फिर इग्नू, है ना, उसमें से कहीं से कर सकते हो. देन उसके अलावा अभी आपके पास में जो टाइम है तो उसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट करो, बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हो. अर्ली बर्ड बैच 25 तारीख से स्टार्ट होगी, तब से हम लोग शुरू करेंगे. ओके, एक आप में से मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में हुई, मैंने 24th जुलाई को एक ट्रैक हम लोग ने प्लान किया है, उसका डिटेल्स भेजा है ना, 1 day ट्रैक. तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी आप आ सकते हो. अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करो, मैं आपको भेजता हूँ. 24th को ट्रैक है और 25th से बैच स्टार्ट हो रही है, तो इट इज़ पॉसिबल. सो उसके बाद में फिर CA इंटरमीडिएट की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी. और कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं. I hope to see all of you in the offline mode in the classrooms. Okay, all of you. And online अगर करते हो तो कोई issue नहीं, मुझे नहीं, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप offline में आते हो. And आपको classes से संबंधित, team से संबंधित, और ICI के registration वगैरह से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो. I wish you all the best for your foundation results. Wish to see you on 25th of July at the early bird batch for taxation and law. लॉ की क्लास पहली रहेगी, इसमें शशांक सर आपको मिलेंगे सुबह 8:30 बजे. टैक्सी क्लास सेकेंड रहेगी, 10:30 बजे मैं मिलूंगा. और हम लोग खूब बढ़िया पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे उसी समय से, एंड देन रेगुलर बैच तो हमारी चलती रहेगी. सो लेट अस कंटिन्यू दिस जर्नी इन CA इंटरमीडिएट एज वेल. थैंक यू फ्रेंड्स. कुछ भी आपको लगता है, कोई भी एडवर्स
अगर आपको ओपिनियन मिलता है डीजीएस कैप्स के बारे में या कोई फैकल्टीज के बारे में, तो एक बार मुझे भी बता देना कि लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। क्योंकि कैसा होता है ना कि जब कोई टीम सक्सेसफुल होती है तो बहुत लोग पत्थर मारने वाले भी रहते हैं, तो हमें भी जरा पता चले कि हमारे बारे में क्या क्या अफवाहें उड़ाई जा रही है, और फिर आप लोग भी अपना डिसीजन लेना कि वो कितनी सही बात है गलत बात है। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। Thank you.